कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयार विन्दे सदा वसन्तम हृदयार विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। पुनः एक बार श्री हरि नाम का आश्रय करते हुए महामंत्र के संग श्री भगवत कथा श्रवण करने का यह सुंदर लाभ, यह सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। हम रोज सुबह इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ अमृत चर्चा में असंख्य सैकड़ों भक्त मिलकर महामंत्र का जाप कर रहे हैं। इस हरे कृष्ण मंत्र को सुंदर साधना के रूप में हम सब जप कर रहे हैं। सो आज मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि असंख्य भक्त, सैकड़ों भक्त एक साथ मिलकर जब हरि नाम का जप कर रहे हैं, अब हम तो हरि नाम का जप करते हुए भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के नाम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन आज मेरे मन में यह विचार उठा कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो उस समय भगवान क्या करते होंगे। आइए एक छोटी सी कथा के द्वारा मैं आपको बताऊं कि जब आप सब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का स्मरण चिंतन करते हैं, उस समय भगवान क्या करते हैं। एक बार भगवान श्री विष्णु, भगवान नारायण अपने वैकुंठ लोक में सो रहे थे और सोते हुए उन्होंने देखा कि इतने सारे भक्त अमृत चर्चा में हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मतलब बिल्कुल लग पड़े हैं। सो भगवान विष्णु वैकुंठ में सोए हुए अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। जैसे भक्त भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान को तो और कोई काम धंधा है नहीं, उनकी इच्छा शक्ति ही संसार और ब्रह्मांड चलाती है। तो अब भगवान के लिए एक ही काम बचता है कि मेरे जितने भी भक्त मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा स्मरण कर रहे हैं, मैं उन भक्तों का ध्यान करूं। इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, उस समय भगवान भी हमारा उतना ही स्मरण करते हैं। एक सत्य घटना पुराणों से मैं आपको सुनाऊं तो इसी प्रकार भगवान विष्णु वैकुंठ में सोए हुए थे और उस समय भगवान विष्णु ने सोए हुए अपने स्वप्न में देखा करोड़ों करोड़ों कांति वाले, हाथ में त्रिशूलधारी, डमरूधारी, स्वर्ण आभरण से भूषित, सुरेंद्र वंदित, अणिमा लघिमा आदि सिद्धियों से सेवित, त्रिलोचन, देवाधिदेव महादेव आप लोगों की तरह जाप कर रहे हैं। कभी बैठकर हरि नाम जाप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कभी बैठे हुए जाप कर रहे हैं, कभी खड़े खड़े कीर्तन कर रहे हैं। सो भगवान विष्णु ने शिव जी को, शिव जी कौन है, देवाधिदेव महादेव, सभी वैष्णवों में शिरमोर, सभी वैष्णवों में अग्रगण्य, ऐसे महान वैष्णव शिव जी को महामंत्र का जाप करते हुए, महामंत्र का कीर्तन करते हुए और कीर्तन में नाचते हुए भगवान विष्णु ने अपने स्वप्न में देखा। और शिव जी को इस प्रकार से महामंत्र का जाप करते हुए देखकर भगवान विष्णु गदगद हो गए, बिल्कुल व्याकुल हो गए। और कुछ देर के बाद जब भगवान विष्णु चेतन अवस्था में आए, स्वप्न से बाहर आए, तो बिल्कुल अचानक अपने बिस्तर से खड़े हो गए। मुझे जो आपसे कहना है, जब यहाँ कोई महामंत्र का जाप करता है तो उसे भगवान ध्यान में देखते हैं, और जो जितना अच्छे से महामंत्र का जाप करता है भगवान उतना अच्छे से उस भक्त के प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त करते हैं। शिव जी को अपने ध्यान में देखकर भगवान विष्णु खड़े हो गए। लक्ष्मी जी समझ नहीं पाई, वो तो चरणों में बैठी हैं, चरण दबा रही हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि पतिदेव, रोज तो आप ऐसे जमहाई लेते हुए, ऐसे हाथ मरोड़ते हुए, आलस करते हुए बिस्तर से खड़े होते हैं, लेकिन आज ऐसे झटका मार के खड़े क्यों हो गए, बिल्कुल ऐसे। थोड़ी देर भगवान विष्णु मौन रहे और फिर गदगद स्वर से कहा कि देवी, मैंने स्वप्न में शिव जी को महामंत्र का जाप करते हुए देखा, मैंने स्वप्न में शिव जी को महामंत्र का कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए देखा। और इस प्रकार से एक वैष्णव को महामंत्र करते हुए देखकर मुझे बड़ा आनंद और मैं बड़ा गदगद हो गया। देवी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शंकर मुझे याद कर रहा है। किसने कहा? वैकुंठ में भगवान नारायण, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शंकर मुझे याद कर रहा है। यहां जब हम महामंत्र का जाप करते हैं ना, भगवान ये सब सोचते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कमल नयन मुझे याद कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जगदीश मुझे याद कर रहा है। तो यहां पर हम जो महामंत्र जाप करते हैं वहां पर ये घटना घटती है। तब 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 भगवान विष्णु मचल गए कि शिव शंकर इस प्रकार से यदि नाम जप कर रहा है तो मुझे उससे मिलना चाहिए। जो अच्छे से महामंत्र का जाप और कीर्तन करता है भगवान उससे मिलने के लिए मचल जाते हैं। और भगवान विष्णु ने कहा कि देवी लक्ष्मी, तो अब तो मैं जा रहा हूं कैलाश शिव को मिलने के लिए। सो भगवान विष्णु शिव जी को मिलने के लिए निकल पड़े वैकुंठ से कैलाश। ध्यान से सुनिएगा कथा। अब क्या हुआ, जब भगवान विष्णु वैकुंठ से निकले कैलाश जाने के लिए आधे रास्ते में पहुंचे तो उनको आधे रास्ते में शिव जी का दर्शन हो गया। मतलब आधे बीच रास्ते में ही शिव जी मिल गए। अरे शंकर तुम, शिव जी ने कहा, अरे प्रभु विष्णु भगवान आप। दोनों एक दूसरे को देखकर इतना प्रसन्न हो गए कि दोनों के आनंद की सीमा न रही। भगवान विष्णु और शिव जी को रोमांच होने लगा, शरीर में कंपन होने लगा और दोनों के आंखों से जर 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 अश्रु की धारा बहने लगी। दोनों एक दूसरे को गले मिले और बड़ा आनंद हुआ। और भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, मैं आपके घर पर कैलाश में आ रहा था और शंकर जी आप तो मुझे रास्ते में ही मिल गए। तो शंकर ने कहा, क्यों, कुछ काम था? बोले नहीं, कल रात को मुझे स्वप्न में आया कि आप मेरा नाम ले रहे हो, मेरा स्मरण कर रहे हो, इसलिए आपको मिलने के लिए मचल गया। तो शिव जी ने कहा कि कल रात को प्रभु आप भी मेरे स्वप्न में आए थे और इसी प्रकार से कल रात को आप मेरे स्वप्न में आए थे, इसलिए तो मैं आपको मिलने वैकुंठ आ रहा था। अब योग देखिए, वहां शिव जी को स्वप्न आया इसलिए कैलाश से वैकुंठ जा रहे थे, यहां भगवान विष्णु को स्वप्न आया तो भगवान विष्णु वैकुंठ से कैलाश जा रहे, तो मार्ग में ही दोनों मिल लिए। तो अब शिव जी कहते हैं, तो ठीक है प्रभु, आप कैलाश जाने के लिए निकले हैं,
तो चलो आप अभी कैलाश में, हम यहीं से लौटते हैं। भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं, अब तो शिव जी शंकर जी आपसे मिलन हो गया, अब आप मेरे साथ वैकुंठ चलो। शिव जी ने कहा नहीं, आप कैलाश चलो। भगवान विष्णु ने कहा नहीं शिव जी, आप वैकुंठ चलो। अब दोनों के बीच में क्या कहेंगे, दोनों के दोनों एक दूसरे को बड़ा आग्रह करने लगे। ये हम लोगों की तरह नहीं है, वास्तव में भाव और प्रेम से ये अलौकिक आग्रह था। हमारा तो हमारे घर पर भी कोई आ जाता है ना, तो न खाने का पूछते हैं, न पीने का पूछते हैं। डेढ़ घंटे के बाद जब उस अतिथि को घर से लौटने का समय होता है, तब कहते हैं कि इस बार तो आपने कुछ खाया ही नहीं, इस बार तो आपने कुछ लिया ही नहीं, अगली बार जब आओगे तो ज़रूर लेना, लेकिन इस बार खाने के लिए ही तो आए थे। डेढ़ घंटे से तेरे घर पर बैठे, तूने हमें कुछ पूछा ही नहीं। सो कहने का अर्थ ये है कि शिव जी वास्तविक आग्रह कर रहे थे कि आप कैलाश चलिए, और भगवान विष्णु वास्तविक आग्रह कर रहे थे महादेव आप वैकुंठ चलिए। अब दोनों के बीच में इतना आग्रह, अलौकिक प्रेम, निर्णय नहीं हो पा रहा है अब किसके घर पर जाए। तब उसी समय मार्ग से नारद मुनि निकले। नारायण नारायण, ए नारद, दोनों ने नारद को बोला, नारद नारद यहाँ हो, यहाँ हो, अभी आपकी ही आवश्यकता थी। नारद जी आए, बोले क्या काम है प्रभु, आप दोनों का दर्शन में तो कृतार्थ हो गया। बोले कृतार्थ बाद में होना, पहले निर्णय करो कि कैलाश जाना है कि वैकुंठ जाना है। शिव जी कहते हैं कि आप कैलाश चलो, और विष्णु जी कहते हैं कि आप वैकुंठ चलो। अब नारद जी आप ही निर्णय करो। नारद जी ने भगवान विष्णु और शिव जी दोनों के इस प्रकार अलौकिक प्रेम को देखे, और अलौकिक प्रेम को देखकर नारद मुनि टोटल कंफ्यूज हो गए। और जब बंदा कंफ्यूज होता है क्या करेगा, नारद जी दोनों के गुण गाने लगे, और वो भी हाथ में वीणा लेकर कीर्तन करने लगे। अब नारद भी फेल, बोले मुझे मत पूछिए, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। अब क्या करे, अब कैलाश जाए या वैकुंठ, दोनों एक दूसरे को आग्रह कर रहे हैं। तब अब अंतिम मौका बचा था कि शिवजी अकेले नहीं थे, शिवजी के साथ माता उमा, माता पार्वती थी। तब फाइनली डिसीजन ये हुआ कि नारद जी कंफ्यूज हैं, हम दोनों एक दूसरे को आग्रह करते हैं, कर रहे हैं, एक काम करते हैं कि यह डिसीजन पार्वती के ऊपर छोड़ते हैं, देवी पार्वती जो निर्णय लेगी हम इसे मान्य रखेंगे। तब शिव जी ने और भगवान विष्णु ने कहा पार्वती तटस्थ होकर आप निर्णय करो कि अब हमें क्या करना है। और पार्वती जी ने जो निर्णय दिया समझने लायक है भक्तों। लगभग ये कथा आपने पहली बार सुनी होगी, ये कोई कपोल काल्पनिक कथा नहीं है, ये ब्रह्म धर्म पुराण की कथा है। ब्रह्म धर्म पुराण और पूर्व खंड 9वें अध्याय के 10वें श्लोक से पूरे श्लोक में ये पूरी कथा है। जब पार्वती को डिसीजन दिया गया तो पार्वती जी क्या कहती हैं, श्लोक आपके सामने है। यादृशी दर्शिता प्रीति युवाभ्याम नाथ केशव मन्ये तया प्रमाणे न न भिन्न वसती युवा न भिन्न वसती युवा। तो देवी पार्वती कहती यादृशी दर्शिता प्रीति, इस प्रकार की निश्चल अनन्य अलौकिक प्रीति को दर्शिता देखकर हे नाथ, माने हे भोलेनाथ, और केशव, हे भगवान केशव, हे भगवान अच्युत, हे भगवान विष्णु, इस प्रकार की निश्चल अनन्य अलौकिक आप दोनों के बीच का प्रेम देखकर मनिए, मुझे तो यही समझ में आता है, मन में मनिए तया प्रमाण है न, मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि न भिन्न वसती युवाम। आप कहते हो कि कैलाश चलो, आप कहते हो कि वैकुंठ चलो, लेकिन इस प्रकार की आप दोनों की प्रीति को देखकर मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि आप दोनों
कहीं भी भिन्न रहते ही नहीं हो, आप दोनों कभी अलग होते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि मनिये तया प्रमाणेन आत्म एकोन्य अनुर्भिधः, क्योंकि आप दोनों की आत्मा एक है, शरीर भले भिन्न है लेकिन आप दोनों की आत्मा एक है, अर्थात केवल शरीर से आप अलग हो। और आप दोनों के लिए कैलाश ही वैकुंठ है, वैकुंठ ही कैलाश है, केवल इन दोनों के नामों में भेद है। और अंत में मनिये तया प्रमाणेन भार्ये आवाम पृथक नवाम। और मुझे तो यहां तक लगता है कि आप दोनों की जो भार्या है वो भी भिन्न नहीं है, अर्थात मैं ही लक्ष्मी हूं और लक्ष्मी ही मैं हूं, दोनों एक ही है। और फिर आगे कहते हैं दूसरे श्लोक में कि मनिये तया प्रमाणेन द्वेष एकस्य सद्वयो। ये बहुत बड़े सिद्धांत की बात देवी पार्वती ने कही कि याद्रशी दर्शिता प्रीति, इस प्रकार आप दोनों के बीच की में प्रीति प्रेम को देखकर हे नाथ हे केशव, मुझे ऐसा लगता है कि द्वेष एकस्य, आप में से किसी एक का द्वेष कोई करेगा वो एक का द्वेष नहीं माना जाएगा, सद्वयो वो दोनों का द्वेष माना जाएगा। बहुत बड़ी बात, माने विष्णु का द्वेष करो तो वो केवल विष्णु का द्वेष नहीं माना जाएगा, वो द्वयो, वो विष्णु और शिव दोनों का द्वेष माना जाएगा, या केवल शिव जी का द्वेष करो तो शिव जी का द्वेष नहीं माना जाएगा, वो दोनों का द्वेष माना जाएगा। और मनिये तया प्रमाणेन अपूज्ये कस्य च द्वयो। और आप दोनों याद्रशी, ये तो सब में लगेगा, याद्रशी दर्शिता प्रीति, इस प्रकार हे नाथ हे केशव, आप दोनों की प्रीति को देखकर मनिए, मेरा ये डिसीजन है कि अपूज्ये कस्य च द्वयो, आप दोनों में से कोई एक की पूजा करे तो वह दोनों की पूजा हो जाती है। इसलिए मेरा कंक्लूजन ये है कि आप दोनों अपने अपने धाम की ओर वापस लौट जाओ, क्योंकि वैकुंठ ही कैलाश है, कैलाश ही वैकुंठ है, शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है। इसलिए आप दोनों एक दूसरे का स्मरण और इस प्रेम की याद करते हुए अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करें। इस प्रकार की सुंदर वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दोनों वहाँ से वापस लौटे, शिव जी कैलाश, भगवान विष्णु वैकुंठ में आए। देवी लक्ष्मी जी ने बहुत सुंदर भोजन प्रसाद तैयार करके रखा था, भोजन आदि खिलाकर लक्ष्मी जी ने कहा कि पतिदेव, होता ना भोजन जब पतिदेव करते हैं तब पत्नी कुछ चर्चा छेड़ती है, तो आज लक्ष्मी जी ने चर्चा छेड़ी, पतिदेव मुझे ये बताइए कि आपको अपने जीवन में सबसे अधिक प्रिय कौन है। लक्ष्मी जी को शायद लगा होगा कि मेरा नाम पहले आएगा, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे ये बताइए आपको अपने जीवन में सबसे अधिक प्रिय कौन है। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को उत्तर देते हैं, बृहद धर्म पुराण का ये श्लोक है, न मे प्रियतमा संति शिव एक प्रियो मम, अहेतुक प्रियो सो मे स्वकाय प्राणिनामिव। हे देवी, न मे प्रियतमा संति, मुझे प्रिय तो बहुत लोग हैं, प्रिय तो मेरे लिए बहुत सारे लोग हैं, प्रिय से ऊपर होता है प्रियतर, हैं? प्रियतर भी बहुत है, लेकिन प्रियतम तीन होते हैं ना, प्रिय, प्रियतर और टॉप में होता है प्रियतम। तो यहां पर भगवान विष्णु क्या कहते हैं, प्रियतमा, न मैं प्रियतमा, मुझे प्रियतम अन्य कोई नहीं है, किससे, एक प्रियो मम संति शिव एक प्रियो मम, न मे प्रियतमा संति शिव एक प्रियो मम। कहते हैं कि शिव जी, एक शिव जी ही मुझे प्रिय है
और शिव जी कितने प्रिय हैं, बोले प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, प्रियतम, सबसे अधिक शिव जी प्रिय हैं। और नेगेटिव फॉर्म में बोलते हैं कि शिव जी जितना प्रियतम मुझे और कोई नहीं है। नमे प्रियतमा संति शिव एक प्रियो ममा। अच्छा, शिव जी मुझे कितने प्रिय हैं, तो कहते हैं स्वकाय प्राणी नाम इवह। प्राणी नाम, मनुष्य नाम, मनुष्यों को जितना स्वकाय अपनी काया प्रिय होती है, जैसे हमको हमारा शरीर जितना प्रिय है, उतना ही प्रिय मुझे देवाधिदेव महादेव है। तब कहा ऐसा क्यों, तब भगवान विष्णु कहते हैं क्योंकि शिव जी मेरा नाम लेते हैं। तुम पुनि राम नाम दिन राती सादर जपत अनंग अराती। क्योंकि शिव जी रात और दिन निरंतर मेरे नाम का जाप करते हैं, और इसलिए जो व्यक्ति मेरे नाम का जाप करता है, मेरे नाम का कीर्तन संकीर्तन करता है, वो मुझे प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, वो मुझे प्रियतम है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम सब, आप सब हरि नाम का जाप कर रहे हैं, तो आप सब भगवान के प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, प्रियतम है। जैसे मनुष्य अपने शरीर से प्रेम करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान अपना नाम लेने वाले को प्रेम करते हैं। और इसीलिए अंत में कहते हैं शिवाद अन्य प्रियो मेस्ति भक्तो यह शिव पूजक। यदि कोई शिव जी को आनंद देता है, शिव आनंद प्रिय मे अस्ति, जो व्यक्ति शिव जी को प्रसन्न कर रहा है वो मैं अस्ति, वो मुझे प्रसन्न कर रहा है। भक्तो यह शिव पूजक, जो शिव की पूजा करता है वो मेरी पूजा करता है। सीधी बात है, क्योंकि शिव जी वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी सभी वैष्णवों में शिरमोर है, और सभी वैष्णवों में अग्रगण्य होने के कारण यदि हम भगवान विष्णु की पूजा करें तो केवल विष्णु की पूजा, लेकिन यदि हम शिव जी की पूजा करें तो शिव और विष्णु दोनों की पूजा हो जाती है। वही सिद्धांत इस श्लोक में कहा गया कि शिव आनंद प्रियो मेस्ति, जो शिव को आनंद देता है, जो शिव को प्रिय है वो मुझे प्रिय है। भक्तो यह शिव पूजक, जो शिव जी की पूजा करता है। और फिर दूसरे अन में कहते हैं शिवस्य अपूजको लक्ष्मी है लक्ष्मी, जो शिव जी का द्रोह करता है, शिव अपूज्य को माने जो शिव जी से द्रोह करता है, शिव जी से द्वेष करता है, न कदापि प्रियो ममः, कदापि कभी भी वो मुझे प्रिय नहीं हो सकता। ये भगवान विष्णु का वचन श्री लक्ष्मी जी के प्रति है कि जो जो शिव जी से द्रोह करता है वो मुझे कभी प्रिय नहीं हो सकता। तो इस प्रकार कहने का अर्थ यह है कि इस पुराण की कथा के द्वारा भगवान विष्णु शिव जी का ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी महामंत्र का जाप करते हैं। यदि हम भी महामंत्र लेंगे, भगवान हमारा ध्यान करते हैं, और जो महामंत्र जाप करते हैं भगवान को उनसे ज़्यादा अधिक प्रिय और कोई नहीं है। इसलिए शिव जी, महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो महादेव से यह सिद्धांत, यह गुण ग्रहण करते हुए हमें रात और दिन इस महामंत्र का जाप करना चाहिए और कीर्तन। शिव जी केवल जाप नहीं करते, जब भक्तों का संग होता है तो शिव का एक नाम है नटराज, बहुत सुंदर नाचते हैं। तो आइए घड़ी दो घड़ी के लिए हम भी भाव से नाचते हुए, नृत्य करते हुए संकीर्तन की ओर आगे बढ़े। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो। श्री वृंदावनवास, श्री वृंदावन
राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नात है, सोते रो वाधीन, सोते रो जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय हो हर हर भोले
नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव जय हो। सोमनाथ महादेव की हर हर भोले हो। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाशितो हि वक्त्रोपी चंद्र सर्वत्र वंध्यते। शैल शुंग सम विशाल जटाजूट चंद्र बाल कंगती तरंग बाल विमल जाल राचे ए लोचन त्रय लाल लाल चंदन की कोर बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकुट युगल साचे मुंडन की कंठ माल विकसित लरुके प्रसाल फटिक जाल रुद्रमाल नर कृपाल राचे आ डम 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 रुबाज नाद वेद सर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे। शंकर महाराज आज तांडव नाचे। जय हो। दिलांग 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 धधिकट धधिकट दिलांग बाजत मर्दंग मधुर विमुर कर्म पांदे ए नारायण 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 कर वीणा धर नारद सारद या राधे किन्नर गंधर्व सर्व चारण अवसर सकर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष सो परोक्ष याचे आ डम 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 रुबाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज त्रांडव नाचे। ए भोले महाराज आज त्रांडव नाचे। राधे बरकत है चंद्र भार जलकत है नेंज बाल गलकत है गल विशाल मुंडन माला धर्म भक्त प्रणत पाल नाम रटत सो निहाल काटत है बंद जाल दीन दयाला शोभे योगी स्वरूप सत बरखा सीत धूप भस्म धूप टी अनूप लेपन दारी सुंदर मूर्ति समात हरदम जुग जोगी हाथ भज हूँ मन भीम नाथ शंकर भारी।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एवरीबॉडी चैंट होली नाइट हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोविंद राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय शिशु गौरनिताय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय प्रभुपाद जय जय प्रभु नीताय गौर हरि बोल नीताय गौर हरि जय जय श्री राधे
साध्यो भगवान ब्रजेश तनय तदधाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम् बपलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले
समस्त श्रोता गण एवं भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले अपने पावन पितरों की स्मृति में जिन्होंने ये सुंदर अनुष्ठान किया है, ऐसे बहरीन निवासी हमारे अगस्त्य प्रभु डॉक्टर साहब, डॉक्टर भक्त हरि प्रभु और सुधा रानी माता जी और न्यूजीलैंड से उमेश चांद जी, विनीता चांद जी, उनके पुत्र जो न्यूजीलैंड में है शानील और शाइनी, इनके पावन पितरों की स्मृति में श्री सुकुमार अगस्ती जी, श्री बाबूराम जी चांद, प्रभु भाई पटेल दूधीबेन, ऐसे पावन पितरों का स्मरण करते हुए इनके चरणों से आशीर्वाद लेते हुए श्रीमद् भागवत कथा की ओर हम सब प्रयाण करें। वैसे कई दिनों के बाद अगस्त्य जी का दर्शन हो रहा है, हमारे प्रिय मित्र हैं। अगस्त्य जी, मुझे याद आ रही है वो बात, लगभग 3 साल पहले गल्फ में बहरीन में भागवत कथा हो रही थी और कथा का सब्जेक्ट था रुक्मणी का पत्र, और उस समय हमने 7 दिन तक रुक्मणी पत्र की कथा कही और फिर मेरे मुख से निकल गया कि भाई रुक्मणी जी ने लेटर तो लिख दिया है, अब शादी कौन कराएगा, क्योंकि शादी के लिए एक पूरी कथा का आयोजन करना होगा। मैं जस्ट इतना सेंटेंस कंप्लीट करूं कि भाई 7 दिन रुक्मणी पत्र की कथा हुई, अब शादी बोला तब तक तो अगस्त्य जी खड़े हो गए, शादी हम कराएंगे। फिर तो कोविड की कृपा हुई और फिर समय बीता और पिछले 2-3 सालों से बहरीन जाना नहीं हुआ, लेकिन अगस्त्य जी कथा सुन ही रहे हैं और इस बार विशेष सहयोग प्रदान किया है, हरिद्वार में भी मिलने वाले हैं। सुस्वागतम, और विशेष स्वागत हमारी विनीता चांद माता और उमेश जी, बड़े भाव से न्यूजीलैंड में रहते हुए भजन करते हैं, भक्ति करते हैं और भगवत कथा का श्रवण करते हैं। देखिए, भक्त प्यारे होते हैं तो कथा भी प्यारी हो जाती है, और अभी अभी आपने सुना स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि भाई मेरा स्मरण करोगे तो केवल मेरा स्मरण होगा, लेकिन शिव जी का स्मरण करोगे तो शिव और मेरा दोनों का स्मरण हो जाएगा। तो शिव जी के स्मरण में बहुत सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि जहां शिव है वहां श्याम सुंदर है, तो जहां शिव जी की कथा है वहां कृष्ण की कथा होगी ही, राम की कथा होगी ही, लेकिन साथ ही साथ शिव जी एक वैष्णव है तो एक वैष्णव, एक भक्त चरित्र तक का भी लाभ मिलता है, और महादेव चराचरम गुरु, इस चराचर जगत के गुरु है, सो महादेव की जीवनी से हमें बहुत कुछ सीख प्राप्त होती है। सो हमारे गुजराती में ऐसी कहावत है कि बधाए हाथ घीमा, यहाँ तो सारे हाथ घीमे हैं, क्योंकि महादेव महाशिवरात्रि निकट आ रही है। तो इस बार हमने श्रीमद् भागवत का आश्रय करते हुए, भागवत से दूर नहीं जाना है, श्रीमद् भागवत में बैठकर भागवत का आश्रय करते हुए हम शिव जी के प्राकट स्वरूप ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। मैं अभी से कहता हूँ ये 12 कंप्लीट नहीं हो पाएंगे,
क्योंकि 12 के लिए तो 12 दिन चाहिए कम से कम, और 7 दिन की कथा में भी 12 नहीं हो सकती, यहां तो केवल 5 दिन है। प्रयास किया जाएगा, लेकिन शुरू करना हमारा काम है और इसे अंजाम देना ये महादेव का काम है। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए, आप सब शिव जी की महिमा जानते ही हैं। पिछले दिनों प्रीमियर में भी हमने शिव जी की कथा सुनी और शिव तत्व को भी आप सब जानते हैं। बीच बीच में हम इन सारी बातों को प्रयास करेंगे उजागर करने का, लेकिन हम सीधा कूदते हैं ज्योतिर्लिंग की ओर, क्योंकि कई दिनों से मन में ये संकल्प था, ये विचार था कि शिव जी के साक्षात अभिन्न स्वरूप, ऐसे वैसे तो असंख्य ज्योतिर्लिंग है लेकिन मुख्य 12 ज्योतिर्लिंग है, इनकी कथा सुननी चाहिए। और भक्तों, ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने की जिज्ञासा तीर्थराज प्रयाग में और नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को करते हैं। शौनक आदि ऋषि मुनि सूत जी को कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, कृपया करके महादेव और महादेव की इन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आप सुनाइए। जब इस प्रकार से निवेदन किया तब सूत जी कहते हैं, अवतारा श्रुणु विभो द्वादश प्रतिमतान परान ज्योतिर्लिंग स्वरूपान वे ज्योतिर्लिंग स्वरूपान वे नानोति कारकान मुने नानोति कारकान मुने मने આમ અંદર થી ઉમળ કા આવે, સમજ્યા? મહાદેવ નું જ્યારે નામ પડે ને, બહુ સુંદર। યહાં પર સુદ ગોસ્વામી બડે પ્રસન્ન હોકર કહેતે હૈ કે હે મુનિયો, વૈસે અંતિમ શબ્દ હૈ મુને, લાસ્ટ વર્ડ હૈ, લેકિન સંસ્કૃત અન્વયી કે અનુસાર ઉનકો પહેલે લેના હોગા। હે મુનિયો, મે ભી આપકો કહું, હે બિના દાઢી મૂછ વાલે મુનિયો जो अमृत चर्चा में बैठे हो, अवतारा श्रुणु, अवतार को सुनो। क्या क्या ये लोग सुनने के लिए नहीं बैठे थे? कई दिनों से सुन रहे थे लेकिन फिर भी कहते हैं सुनो। तो जब कोई व्यक्ति इतने टाइम से सुन रहा है और फिर भी कहा जाए कि सुनो, इसका मतलब कुछ विशेष बात होने वाली है। मतलब आप लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हो, पिछले एक घंटे से सुन रहे हो, और फिर मैं बीच में कहूं अरे सुनो, तो इसका मतलब क्या? सुनने के लिए तो एक घंटे से बैठे हो, फिर भी बोलने वाला कह रहा है कि श्रुणु, सुनो, इसका मतलब अब कोई विशेष बात होने जा रही है, कोई विशेष चर्चा। इसलिए कहते हैं श्रुणु, सुनो। क्या सुनो? अवतारा श्रुणु, अवतार को सुनो। किसके? बोले विभो। विभो ऐसे देवाधिदेव महादेव के अवतार की कथा सुनो। कितने हैं? बोले द्वादश प्रतिमतान परान। प्रतिमतान परान माने उत्तम उत्तम ऐसे द्वादश अवतार की कथा सुनो। शिव जी के, महादेव के द्वादश अवतार की कथा सुनो। ये द्वादश अवतार कैसे हैं? दूसरी लाइन में ज्योतिर्लिंग स्वरूप पानवे, महादेव के, शिव जी के ये द्वादश अवतार ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में है। नाना इति कारकान मुने, सब में व्यापक रहने वाले हैं, पूरे भारत को भरने वाले श्री महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप की कथा सुनो। तो मानो शौनक आदि ऋषि मुनि कहे कि महाराज ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं और कहां हैं, पहले तो ये लिस्ट बताइए। तब सूत जी ऐलान करते हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयिन्यां
महाकाल ओमकारे चामरेश्वर केदारो हिमवत पृष्ठे डाकिनिया भीमशंकर वाराणस्याम च विश्वेश त्रयंबको गौतमी तटे त्रयंबको गौतमी तटे और वैद्यनाथ श्रिता भूमो नागेशो दारुका वने सेतु बंधे चरामेशो दुष्मेशश्च शिवालये दुष्मेशश्च शिवालये अवतार द्वादश मेतत् शं एतत् शंभो परमात्मन अवतार द्वादश कमेतत् एतत् शंभो परमात्मन सर्वानंदकरं पुंसाम दर्शनात् स्पर्शनात् मुने दर्शनात् स्पर्शनात् मुने। सो शिव जी के 12 अवतार की कथा वे द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई है। सर्वप्रथम इस 4 श्लोक में ये द्वादश ज्योतिर्लिंग कौन से हैं और कहाँ है इसका जिक्र किया जा रहा है। कहते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथश्च प्रथम ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सौराष्ट्र में भारत में सौराष्ट्र गुजरात में और उस ज्योतिर्लिंग अवतार का नाम है सोमनाथ। सो सौराष्ट्र में सोमनाथ श्री शैले मल्लिकार्जुन दूसरे ज्योतिर्लिंग है श्री शैल में श्री शैल क्षेत्र में ये सब हम सुनेंगे विस्तार से। तो श्री शैल क्षेत्र में कौन से ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन उज्जयिनियाम महाकाल और उज्जैन में महाकालेश्वर ओमकारे च अमरेश्वर और ओमकारेश्वर में अमरनाथ सौराष्ट्र में सोमनाथ श्री शैल में मल्लिकार्जुन उज्जैन में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर में अमरनाथ। भक्तों ये सब आपने शायद सुना भी होगा लेकिन इतने दृढ़ प्रमाण के साथ श्लोकों के साथ बड़ा आनंद आएगा। अब आगे देखिए केदारो हिमवत पृष्ठे पांचवे ज्योतिर्लिंग शिवजी का पांचवा अवतार ज्योतिर्लिंग के रूप में हिमालय में हुआ। हिमवत पृष्ठे माने हिम हिमालय के पृष्ठ पर हिमालय के ऊपर पांचवा अवतार केदारनाथ के रूप में। छठा ज्योतिर्लिंग अवतार डाकिनी में भीमाशंकर के रूप में। सातवां ज्योतिर्लिंग का अवतार वाराणस्याम च विश्वेश वाराणसी में काशी में काशी विश्वनाथ के रूप में प्रकट हुए। और आठवां अवतार कहते हैं गोमती तटे त्रयंबकेश्वर गोमती के तट पर त्रयंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए। नौवे अवतार के रूप में चिताभूमो वैद्यनाथ श्री वैद्यनाथ महादेव के रूप में प्रकट हुए। फिर दसवें नागेशो दारुका वने दारुक वन में नागेश्वर के रूप में प्रकट हुए। फिर ग्यारवा है सेतु बंधे च रामेशो सेतु बंध में रामेश्वर के रूप में प्रकट हुए। और बारहवें ज्योतिर्लिंग दुष्मेश च शिवालय शिवालय में घुष्मेश्वर के रूप में प्रकट हुए।
सो इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग, लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा की क्या महिमा है आप तीसरी लाइन में देखिए। अवतार द्वादश, ये द्वादश अवतार जो है, एतत् शंभो परात्मनः, ये 12 अवतार परात्मनः परम ईश्वर श्री शिवजी के ये 12 अवतार है। सर्वानंद करम पुंस, इस 12 अवतार को यदि कोई सुनता है, इसको देखता है या इनका स्पर्श करता है तो कहते हैं सर्व आनंद करम पुंसा। पुंसा मनुष्य परम आनंद और परम सौभाग्य का लाभ कर लेता है, परम आनंद और परम सौभाग्य प्राप्त कर लेता है यदि कोई व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंग को दर्शनात् स्पर्शनात् मुने है। यदि कोई इनका दर्शन करे, यदि कोई इनका स्पर्श करे तो वह परम सुख परम लाभ को प्राप्त कर लेता है। संसार में शिव जी की ओर देखने की दृष्टि भिन्न भिन्न है। संसार के लोग, कुछ लोग शिव जी को किसी अन्य रूप में पूजते हैं, कुछ लोग किसी अन्य रूप में, लेकिन हम शिव जी को एक महान वैष्णव के रूप में पूजते हैं, उनका भजन करते हैं और एकमात्र भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु तो। और ऐसे शिव जी के 12 अवतार ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में इन 12 क्षेत्र में प्रकट हुए हैं। इनकी कथा पुराणों में बहुत अच्छे से बड़े विस्तार से श्री व्यास मुनि के द्वारा लिखी गई है और सुत शौनक आदि के द्वारा संवाद की गई है। सुत जी कहते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंग में, प्रथम ज्योतिर्लिंग के विषय में कहते हैं, तत्र आदि, इन 12 ज्योतिर् नंबर के साथ कहते हैं कि इन 12 ज्योतिर्लिंग के अवतार हुए, अवतार अवतार के रूप में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए, तो उनमें प्रथम अवतार कौन सा? बोले तत्र, इन 12 ज्योतिर्लिंग में आद्य, आद्य माने प्रथम अवतार सोमनाथो ही। इन 12 ज्योतिर्लिंग में तत्र आदि, सबसे पहला अवतार सोमनाथो। अब कई बार, क्योंकि शिव जी के भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है ना, इसलिए कई बार इन कथाओं को, इन श्लोकों को आगे पीछे बहुत कुछ लिखा जाता है और बहुत सारे संशय होते हैं, बहुत भ्रम होते हैं, लेकिन श्लोकों के अनुसार मूल पाठ को पकड़कर चलेंगे तो क्लियर हो सकता है। यहाँ आद्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, आद्य माने सबसे पहले, नंबर वन। तो तत्र इन 12 में, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में आद्य प्रथम स्थान सोमनाथो ही, निश्चित ही इन 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ महादेव। और सोमनाथ जी का प्राकट्य का कारण बताते हुए कहते हैं, चंद्र दुख क्षयम करह। देखिए, भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, लेकिन नरसिंह देव भगवान को प्रकट करने का कारण प्रहलाद बना ना, फिर कारण प्रहलाद बना, फिर तो नरसिंह देव की कृपा सब पर होती है, सब असंख्य करोड़ों जीवों पर भगवान नरसिंह देव की कृपा होती है, हुई है, हो रही है, लेकिन कारण कौन बन गया? प्रहलाद है। ठीक उसी प्रकार भगवान की कृपा सभी जीवों पर है, लेकिन उस भगवान के स्वरूप को प्रकट करने का जो कारण बनता है बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रथम लाइन में कहते हैं कि तत्र आदि सोमनाथो ही, सबसे पहले सोमनाथ महादेव है, और उसको प्राकट्य का कारण चंद्र, ये सोमनाथ भगवान क्यों प्रकट हुए? चंद्र दुख क्षयम करह, चंद्रमा के दुख का क्षय करने के लिए सोमनाथ महादेव प्रकट हुए। चंद्रमा कौन? ये रोज सुबह हम चंद्रमा को देखते ना, शाम को है? जब सूर्य अस्त होता है चंद्रमा प्रकट होता है, हम और आप रोज चंद्रमा का दर्शन करते हैं, उस चंद्रमा के दुख का क्षय करने के लिए सोमनाथ महादेव प्रकट हुए। और क्षय कुष्ठ आदि रोगाणाम नाशक पूजनाथ मुने, हे मुनि, यदि कोई सोमनाथ महादेव की पूजा करता है,
यदि कोई सोमनाथ महादेव का दर्शन करता है तो उनके जीवन में क्षय रोग मिट जाएगा। आप दूसरी लाइन में देख सकते हैं, क्षय रोग, कुष्ठ रोग। क्षय रोग माने कैंसर, कुष्ठ रोग माने शरीर सफेद हो जाना, रंग बदल जाना। सो ऐसे ये सब बड़े भारी रोग है, ये जेनेटिक रोग है, ये परंपरा में आने वाले रोग है, लेकिन इसकी कोई दवाई भी नहीं है। आज तक इसकी कोई दवाई नहीं बनी। जिसकी दवाई किसी के पास नहीं है, उसकी दवाई सोमनाथ महादेव के पास है। सो क्षय और कुष्ठ रोगाणाम नाशक पूजनात मुने, यदि पूजा करेंगे तो यह रोग मिट जाएगा। आगे कहते हैं श्री सूत जी, शिव अवतारा सोमेशो लिंग रूपेण संस्थित। शिव जी का ये अवतार सोम ईश, सोम माने चंद्रमा के, सोम के ईश के रूप में, और चंद्रमा के ईश के रूप में प्रकट हुए। और किस स्वरूप में प्रकट हुए तो कहते हैं लिंग रूपेण संस्थित, अपने प्रतिमा के रूप में, अपनी अपनी प्रतिमा के रूप में वे विराजमान है। तो सोम के ईश के रूप में, शिवलिंग के रूप में, प्रतिमा के रूप में विराजमान कहाँ पर, तो कहते हैं सौराष्ट्रे शुभ देशे। सौराष्ट्रे, सौराष्ट्र में। लेकिन पूछा गया ये सौराष्ट्र देश कैसा है, जरा पढ़कर मुझे बोलो तो जरा कैसा है सौराष्ट्र देश कैसा है, उसके बाजू में क्या लिखा है सौराष्ट्रे, क्योंकि अपना अपना होता है ना, शुभ देश है। हमारे पुराणों में वेदव्यास मुनि ने कहा सौराष्ट्र कैसा है, बोले शुभ देश। सौराष्ट्र देश छोड़ो, सौराष्ट्र के आदमी का दर्शन भी कर लो ना, शुभ शुभ हो जाता है। तो सौराष्ट्र शुभ देश है। मैं यहां पर एक पॉइंट कहना चाहता हूं, शिव जी की बड़ी कृपा है, यद्यपि ये सौराष्ट्र बहुत बदनाम हुआ करता था, पद्म पुराण ने तो पूरे गुजरात को ही बदनाम कर दिया, क्योंकि वो कथा आप जानते हैं ना, जब भक्ति महारानी का जन्म हुआ, द्रविड़े अहम उत्पन्ना, द्रविड़ देश में भक्ति महारानी प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग्य प्रकट हुए, और वृद्धि कर्नाटके गता, और कर्नाटक में लोगों ने भक्ति का स्वीकार किया, भक्ति की वृद्धि हुई, ज्ञान और वैराग्य प्रसन्न हुए। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में संत तुकाराम, एकनाथ आदि बड़े बड़े साधु संतों ने स्वीकार किया, कुछ लोगों ने त्यागा। तो द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में कुछ कुछ लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन जब वो भक्ति महारानी गुजरात में पहुंची, तब पद्म पुराण में लिखा है गुर्जरे जीर्ण ताम गता, गुजरात में पहुंचकर भक्ति जीर्ण हो गई, भक्ति करने वाला ही कोई नहीं मिला, भक्ति स्वीकार करने वाला कोई नहीं मिला, श्रद्धा तो थी लेकिन ज्ञान के अभाव में यहां वहां सब लगे हुए थे। सो पद्म पुराण ने जिस सौराष्ट्र गुजरात को जीर्ण ताम गता, जहां भक्ति जीर्ण हो गई, जिन्होंने भक्ति को स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक वैष्णव, एक भक्त यदि चाहे ना, तो भूमि के भाग्य को बदल सकता है। भूमि के भाग्य को बदलने की ताकत एक वैष्णव और महादेव में है। पद्म पुराण ने कहा गुर्जर जीर्णताम, और यहां पर कहते हैं सौराष्ट्र शुभ देश है, सौराष्ट्र को शुभ बना दिया। वहां क्या कहा गुर्जर जीर्णताम, गुजरात में भांगिन भूखो करी नाखी, लेकिन महादेव जब प्रकट हुआ तो सौराष्ट्र शुभ देश है। क्योंकि महादेव की निष्काम भक्ति से कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। सो सौराष्ट्र जैसे शुभ देश में च शशिना पूजित पुरा, इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को शशिना चंद्रमा के द्वारा प्रथम पूजन किया गया था। इस सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग का प्रथम पूजन साक्षात चंद्रमा ने किया। सो जूनागढ़ जिले में वेरावल से 2 माइल दूर पाटन क्षेत्र में सोमनाथ, बिल्कुल समुद्र के तट पर,
मेरे पीछे गोविंद टीवी को मैं धन्यवाद दूंगा, मंदिर भी है और सोमनाथ महादेव मेरे बाजू में विराजमान किए हैं और इनके बगल में बैठकर कथा सुननी है तो दर्शन करते हुए हैं, श्लोक पढ़ते हुए कथा का आनंद लेना है। और एक बात पुराण में लिखी है, वे कहते हैं कि यहाँ पर सोमनाथ महादेव के शरण में चंद्रकुंडम च तत्रैव, यहाँ पर चंद्रकुंड है, तत्र एव मतलब सोमनाथ महादेव के बगल में चंद्रकुंड, चंद्रकुंड नाम का एक जलाशय है। कहते हैं सर्व पाप विनाशनम, वो जलाशय कैसा है, सभी प्रकार के पापों का विनाश करने वाला चंद्रकुंड है। तत्र स्नात्वा, उसमें स्नान करता है कौन, नर, एक तो मनुष्य, कुत्ता नहीं करता। यदि आदमी होगा तो उसमें स्नान करेगा, बाकी बैल होगा पशु होगा तो नहीं करेगा। तो तत्र स्नात्वा नरो, तो नर स्नान, और नर में भी कैसा नर, धीमान, धीमान माने बुद्धिमान, बुद्धिमान नर, बुद्धिमान मनुष्य तत्र स्नात्वा वहां उस चंद्रकुंड में स्नान करेगा। और यदि उस चंद्रकुंड में स्नान करेगा तो सर्व रोगे प्रमुच्यते, तो वह अपने शरीर के सारे रोगों से मुक्त हो जाएगा। डॉक्टर अगस्त जी कहेंगे कि ये तो मेरी दुकान बंद करवा देगा, ओपनिंग ही यहाँ से किया है, रोग से मुक्त करना और कुष्ठ रोग, बोले ये तो मेरा हॉस्पिटल बंद करा देगा। अच्छा है आपकी हॉस्पिटल बंद हो तो वृंदावन का मार्ग पकड़े। सो खैर, तो कहने का अर्थ यह है, पुराणों के ये श्लोक हैं, बड़ी महिमा गाई गई है, तत्र स्नात्वा नरो धीमान सर्व रोगे प्रमुच्यते। और फिर आगे कहते हैं सोमेश्वरम महालिंगम शिवस्य परमात्मकम, इस सोमनाथ स्वरूप की जो महिमा है वो इस श्लोक में कहते हैं कि सोम ईश्वरम, सोमेश्वर सोमनाथ महादेव महालिंग है, और ये महाज्योतिर्लिंग शिवस्य परमात्मकम, परमात्मकम माने आत्मज स्वरूप, माने ये शिव जी से अभिन्न है, स्वयं शिव जी ही सोमनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हो चुके हैं, ये कहने का भाव है। सोमेश्वरम महालिंगम शिवस्य परमात्मकम, और देयरफोर दृष्ट्वा, इस महालिंग को कोई केवल देख लेता है प्रमुच्यते, वो मुक्त ही नहीं होगा, प्रमुच्यते, प्र उपसर्ग है माने कंप्लीट मुक्त होगा, माने अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा, कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर जाएगा, क्या करने से, दृष्ट्वा। अब आप कहोगे वैसे तो देखने की भी सुविधा है, सोमनाथ महादेव भी है, सोमनाथ मंदिर, तो ये भी सुविधा तो रखी है, लेकिन दृष्ट्वा जैसे मैंने एक बार जिक्र किया था, मेरे मन से ये बात जा ही नहीं रही है। पितामह भीष्म को याद करो, पितामह भीष्म शरसैया पर सोए हुए हैं और वहां पर लाखों ऋषि मुनि आए हैं। किसी ने सूत जी को पूछा कि ये लाखों ऋषि मुनि यहां पर क्यों आए हैं, तो भागवत जी में लिखा दृष्ट्वा भरत पुंगव, भरत पुंगव भारत भूमि के वीर पितामह भीष्म को दृष्टवा देखने के लिए आए। अब उस 450 साल के बूढ़े में देखने जैसा था क्या, मुझे बताइए, कोई जवान लड़का हो तो उसे देखने का कुछ बनता है, लड़की हो तो देखने का कुछ बनता है, 450 साल का एक तो बूढ़ा है और शरसैया में लेटा हुआ है, खून पस निकल रहा है, ये मरूं आज मरे कल मरे हो रहा है, और उस आदमी को देखने के लिए लाखों लोग उमड़ पड़े। दृष्ट्वा भरत पुंगव, तो वहां दृष्ट्वा का अर्थ ये है कि दृष्ट्वा देखने के लिए आए, देखने का वास्तविक अर्थ होता है कानों से सुनना। दृष्ट्वा माने हमारे शास्त्रीय भाषा में भी कहते ना सांख्य दर्शन, तो सांख्य का दर्शन थोड़ी होता है, सांख्य दर्शन माने सांख्य को समझना, उनको सुनना। तो यहां पर कहते हैं कि दृष्ट्वा, दूसरी लाइन में, यदि सोमेश्वरम महालिंगम जो शिव जी का परमात्मकम अपना साक्षात स्वरूप है, वो शिव जी का आत्मज स्वरूप है,
उसे कोई यदि दृष्ट आंखों से देखे या उससे भी आगे कानों से सुने तो प्रमुच्यते, वो मुक्त हो जाता है। क्या क्या होता है? पापाद पापात प्रमुच्यते, उसको आगे ले लीजिए, प्रमुच्यते पापात, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति, और भुक्ति संसार के सारे भोग मतलब संसार का सारा सुख प्राप्त करता है, और मुक्तिम च विन्दति, और इस जीवन में भी वो परम सुख को प्राप्त करता है और मरने के बाद परम मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यदि कोई सोमेश्वरम महालिंगम दृष्ट्वा, इस महालिंग का दर्शन करता है। तो मैंने पहले ही कहा कि सोमेश्वर महादेव मेरे साथ है, आंखों से भी देखना है और कानों से इसको अच्छे से सुनना है, ठीक है। तो अब ये तो हुए पुराण की बात, पुराणों में जो श्लोक बताए गए हैं बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन किस सिचुएशन में सोमेश्वर महादेव प्रकट हुए, ये सोमनाथ महादेव की बहुत सुंदर प्यारी कथा है। आइए इस कथा को हम भाव से सुने। ये सारी कथा भागवत में है, मैं आपको भागवत से बाहर नहीं ले जाऊंगा, भागवत से कनेक्ट। आप सुखदेव जी ने कई बार ज्यादा कुछ नहीं कहा लेकिन इशारा तो किया है, और सोमेश्वर महादेव का एक इशारा श्रीमद् भागवत जी में है, मैं आपको श्लोकों के साथ बताता चलूंगा। आपने कुछ दिन पहले हमारी जो कथा विराम हुई आपने सुना था ना, कि उस कथा में दक्ष प्रजापति को शिव जी ने बकरे का मस्तक दे दिया, जानते ना, दक्ष प्रजापति ने शिव जी से द्वेष किया और द्वेष के कारण बृहस्पति सब यज्ञ किया, सती से सहन नहीं हुआ, उनका शरीर छूटा, शिव जी को क्रोध हुआ और फिर वीरभद्र को प्रकट किया, और वीरभद्र ने किसी की आंख किसी के दांत तो सब दाढ़ी वाड़ी खींच ली और दक्ष प्रजापति के मस्तक को काट दिया। और फिर जब शिव जी शांत हुए तो उन सबको लाया गया, तो स्पेशली दक्ष प्रजापति को बकरे का मस्तक दिया गया, याद है आपको, ठीक है, याद आ गया ना। तो बकरे का मस्तक जब दक्ष प्रजापति को मिला तो जीवित तो हो गए, लेकिन रोज नहा धोकर बाल बनाने के लिए आप लोग इधर मिरर के सामने आते थे ना, तो बड़ा अफसोस करते थे, यार ये बकरे का मस्तक, मैं दक्ष प्रजापति बकरे का मस्तक, अब इसमें क्या शैम्पू करूं, क्या फेस वॉश लगाऊं, और रोज याद करते थे कि ये शिव जी की दाढ़ी में हाथ नहीं डाला होता तो अच्छा था, ये शिव जी को, ये शिव जी के पंगा नहीं लिया होता तो ये बकरे का मस्तक मिल गया। अब बंदा बकरे का मस्तक लिए कितना दिन घूमेगा, रोज अफसोस करते थे। एक दिन इस अफसोस के कारण दक्ष प्रजापति ने अपना प्राण ही त्याग दिया, उनकी मृत्यु हो गई, जीवन लीला समाप्त। ये कथा भागवत में है जो हमने सुनी है। अब फिर श्रीमद् भागवत जी में ही कथा है छठे स्कंद में कि दक्ष प्रजापति ने अपना शरीर छोड़ दिया, फिर उनका दूसरा जन्म हुआ और दूसरे जन्म में भी वो दक्ष बने, और इस जन्म में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जन्म लेते ही जब वो बड़े हुए तो उन्होंने तपस्या की। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि भगवान की हंस गुह्य स्तुति की, और इस हंस गुह्य स्तुति से, क्योंकि पूर्व जन्म में अपराध हुआ था उसका मार्जन करना था और सब याद था, और इसलिए उन्होंने क्या किया, भगवान की स्तुति की, भक्ति की, और इवन हंस गुह्य स्तुति सुनकर भगवान ने दक्ष प्रजापति को दर्शन दिया और वरदान दिया कि आप विवाह करो और प्रजा की उत्पत्ति करो, खूब आगे बढ़ो, मैं आशीर्वाद देता हूँ। दक्ष प्रजापति का दूसरा जन्म, पहला जन्म तो आपने सुन लिया, वो शिव जी के द्वारा मस्तक कटा फटा, ये दूसरा फ्रेश दक्ष है ये। अब इस दक्ष प्रजापति का विवाह पंचजन नाम के प्रजापति, पंचजन नाम के एक राजा जो प्रजापति थे, और दक्ष भी प्रजापति, प्रजापति प्रजापति में शादी होती है मतलब मेल खाता है तो पंचजन नाम के एक प्रजापति थे, ये भी दक्ष प्रजापति थे, तो सरनेम मिल रही थी। पंचजन की एक कन्या थी जिसका नाम था पांचजनी, तो दक्ष प्रजापति का विवाह पांचजनी नाम की कन्या के साथ हुआ,
और दक्ष और पांच जनी का विवाह होने के बाद, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दिया था और भगवान के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है, इसलिए दक्ष और पांच जनी के 10,000 पुत्र हुए। कितने? 10,000 पुत्र। अब ये सुनने में थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन ईश्वर आशीर्वाद प्राप्त किया है और भगवान ने जिसको वरदान दिया हो वो क्या नहीं कर सकता। सो 10,000 संतानों को जन्म दिया और 10,000 का नाम रखा हरियश्व, मतलब सब एक साथ होते हैं तो उसे हरियश्व कहते हैं। वैसे सबके सेपरेट नाम भी थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हरियश्व नंबर वन, हरियश्व टू, क्योंकि 10,000 नाम भी याद कैसे रखेंगे, तो हरियश्व रख दिया और फिर 1, 2, 3, 4 वो मार दिया होगा कि ये लाइन। अब जब 10,000 बच्चों का जन्म हुआ, दक्ष तो बड़े एक्सपर्ट, दक्ष का अर्थ ही होता है एक्सपर्ट, तो ये जानते थे, ये बहुत ज्ञानी बुद्धिमान है दक्ष। बोले किसी भी बच्चे को यदि प्रोग्रेस करना है तो बचपन में ज्यादा फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ही बहुत फैसिलिटी दे देते हैं और फिर बच्चों का दिमाग उतना नहीं चलता, शरीर उतना नहीं चलता, और बड़े होकर कोई थोड़ा भी संकट आ जाए तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसलिए बच्चों की परवरिश बचपन से तपस्या की ओर होनी चाहिए, फैसिलिटी की ओर नहीं। फैसिलिटी तो वो जुटा ही लेगा, लेकिन बचपन से अपने बच्चों को तपस्या सिखाने की जरूरत है, त्याग सिखाने की जरूरत है। आजकल लोग अपने बच्चों को हाथों में स्पून पकड़ना सिखाते हैं, ये खाओ ये खाओ, ये करोड़ों जन्म से बंदा यही करते आया है, ये सब सिखाने की जरूरत नहीं। वास्तव में हमें बच्चों को सिखाने की जरूरत है तो वो है त्याग, समर्पण। क्योंकि जहां त्याग होगा, जहां समर्पण होगा, वहां रामायण होगी, वहां रामायण का वातावरण प्रकट होगा। भरत जी कहते हैं कि अयोध्या का राज्य राम रखेंगे, राम जी कहते नहीं भरत रखेगा। जहां त्याग है, जहां समर्पण, वहां प्रेम है, और जहां भोगों की वृत्ति है वहां महाभारत है। दुर्योधन कहता है मेरा राज्य, पांडव कहते हैं हमारा राज्य। जहां भोग भोगने की वृत्ति है कि मैं ये भोग लूंगा, अहम पूर्वम मेरा करूंगा मैं, वहां सदैव महाभारत होगा, वहां कलह होगा, क्लेश होगा। हमारे बच्चे जब स्कूल से लौट कर आते हैं ना, तो ज्यादा उसको प्रेशर मत दो। मुझे ये अमेरिका की स्टडी बहुत अच्छी लगती है, यहां कॉम्पिटिशन ही नहीं होती। 10 स्टैंडर्ड तक वो मार्क्स ही नहीं देते हैं, केवल ग्रेड दे देते हैं, बच्चों को छूटा कर देते हैं। और भारत में बचपन से ही बच्चों को, जैसे वो रेस का घोड़ा होता है ना, ये अपना रेस का घोड़ा है, तुझे आगे आना है, माता पिता पेरेंट्स पेवेलियन में बैठे होते हैं, बच्चों को दौड़ाते हैं और कितने कितने क्लासेस करवाते, बेचारा बच्चा परेशान हो जाता है। बच्चों को फ्री रखना चाहिए, जितना फ्री होगा वो माइंड से बहुत आगे बढ़ेगा। बच्चा जब स्कूल से घर आता है, तुझे कितना मार्क्स आया, कितना परसेंट आया, तेरा कौन सा रैंक, कौन सा नंबर आया, हमारे जमाने में ये बहुत चलता था। लेकिन क्या कभी हमने बच्चों को ये पूछा कि बेटा तू जब स्कूल में था तो कोई दुखी व्यक्ति को देखकर तेरे हृदय में दुख हुआ? तेरा कोई फ्रेंड टिफिन नहीं लाया होगा, भोजन नहीं लाया होगा, तो तेरे मन में ऐसी भावना होती है कि मैं मेरा डिब्बा शेयर करूं, मैं कुछ उनको शेयर करूं, कुछ उसको दूं? कभी दया की भावना आती है, कभी सेवा की भावना? ये बचपन से बच्चों को सिखाने की जरूरत है। बाकी भोग भोगना तो सब सीख ही लेंगे। आज तक मुझे बताइए उमेश जी, आपके न्यूजीलैंड में सिगरेट कैसे पीनी चाहिए, ये कोई क्लासेस हैं सिखाने के? बोले यहां सिगरेट पीना सिखाया जाता है, कि यहां शराब पीना सिखाया जाता है? नहीं, ये शराब पीना, सिगरेट पीना, भोग भोगना, ये सिखाने की जरूरत नहीं है। अनंत अनंत जन्मों से लोग ये करते ही आए हैं। यदि हमें स्वयं और बच्चों को सिखाने की जरूरत है तो वो है त्याग, वो है तप, समर्पण, बलिदान। और दक्ष प्रजापति इस सिद्धांत को भलीभांति रूप से जानते थे और इसीलिए दक्ष प्रजापति ने अपने 10,000 पुत्रों को भेज दिया कि आप तपस्या करने के लिए जाओ। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र
नारायण सरोवर तपस्या करने के लिए चले गए। इन 10,000 ने पूछा होगा, बाबा कितने साल तक तप करना है? इन्होंने कहा 25 साल तक। 25 साल तक वेदाध्ययन करो, गुरु के शरण में रहो, शास्त्र पढ़ो, तप करो। बोले बाबा उसके बाद शादी करनी है, मैं आप सब के लिए लड़की देखकर तैयार रखूंगा, आप सब वापस आना, सबकी शादी करा दूंगा, प्रजा सृष्टि तो बनानी है हमको। 10,000 चले। अब 10,000 नारायण सरोवर तप किए, 15-20-25 साल तक तप करके जब वापस लौट रहे थे तो नारद मुनि को पता चल गया कि यार प्रीचिंग करने का अच्छा मौका है, और ये तो खोजते ही रहते हैं। बोले आज तक मुझे दो पांच लोग मिलते थे, वहां ध्रुव मिला, वहां प्रहलाद मिला, कहीं अंगिरा, कहीं वो चित्रकेतु मिला, लेकिन 10,000 का लौट एक साथ, तो बंदा भी उत्साह में आ जाता है ना, एक साथ दस हजार को डिवोटी। नारद जी बड़े उत्साह में ये वापस ही लौट रहे थे, क्योंकि तप करके बंदा शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, दिमाग ठिकाने पर होता है। तो जब आए नारद जी रास्ते में रोक दिए, कहाँ जा रहे हो? बोले हम लोग घर पर जा रहे हैं और घर जाकर हम लोग शादी करेंगे। अच्छा शादी करोगे? शादी का मतलब जानते हो? नारद जी ने कहा कि शादी करोगे, शादी करना माने सृष्टि करना, एक नई सृष्टि बनाना, एक नई दुनिया को रचना। शादी का मतलब यही होता है कि अपनी पूरी नई दुनिया बनाना। बोले सृष्टि करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, जानते भी तो हो कुछ? बोले शादी करने के लिए जानने की जरूरत पड़ती है? बोले ज्यादा नहीं, 10 बात तो मुझे बताओ। नारद जी ने 10 प्रश्न पूछे। बोले तथैक राष्ट्रम पुरुषम, एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, उस पुरुष के बारे में जानते हो? निकल पड़े शादी करने के लिए। बीलम च अदृश्य निर्गमम, एक ऐसा बील है जिसमें बंदा जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं लौट सकता, जानते हो उस बील के बारे में? शादी करोगे है? हम लय जायला छो, गुजराती में बोलता गया बच्चे बच्चे, हम उपाड़ो लीधो से, शादी करोगे, लगन करवा। नाना रूपात्मना बहु रूपाम स्त्रियम, एक ऐसी स्त्री है जो प्रति सेकंड अपना रूप बदलती है। भाई दो दो तीन तीन घंटे में रूप बदलते हुए मैंने कुसुमिका माता जी को भी देखा है। दो दो तीन तीन चार चार घंटे में तो मैं यहां देख लेता हूं कि रूप बदल बदल के लोग आते रहते हैं, लेकिन एक एक सेकंड में कोई रूप बदले, ऐसी स्त्री के बारे में जानते हो? शादी करोगे? ये तो बेचारे ढीले पड़ गए। फिर कहते हैं नद्यो उभयतो वाहम, एक ऐसी नदी है जो दो डायरेक्शन में बहती है। जानते हो दो डायरेक्शन में नदी बहती है, उस नदी के बारे में जानते हो? शादी करोगे? हूं तुमने ही कहू छू, करीन बैठा छो ने, जानते हो इसके बारे में? शादी करके बैठे। पंच पंच अद्भुतम गृहम, एक ऐसा घर है जिसमें पंच पंच 5x5 25 तत्व लगे हुए हैं, 25 तत्व का एक अद्भुत घर है, उस घर के बारे में जानते हो? शादी करोगे? भाई घर के बारे में जानते हो? सीमेंट कंक्रीट ईंट पत्थर प्लाई ये सब लगता है तो 5-10 चीज, 25 तत्व से बना हुआ घर, जानते हो? शादी करोगे? क्वचित हंस विचित्र कथम, एक ऐसा हंस है जिसकी बड़ी विचित्र गाथा है, उस हंस के बारे में जानते हो? शादी करोगे? एक ऐसा चक्र है जो अपने आप घूमता है और पूरी दुनिया मिलकर भी उस चक्र को रोक नहीं सकती, शौर अप्ययम स्वयं भ्रमिम, उस चक्र के बारे में जानते हो? निकल पड़े शादी करने के लिए। इस प्रकार से नारद जी ने 9 प्रश्न पूछे, तो ये तो ढीले पे तो पानी पानी हो गए, और फिर अंत में कहते लेकिन हमारे पिताजी ने कहा है कि तपस्या करके घर पर आना। नारद जी ने अंतिम फटका क्या मारा, अपने असली बाप के बारे में जानते हो? शादी करोगे? कभी से उपाड़ा ले रखा है पिताजी ने, कहा पिता असली बाप कौन है जानते हो? ये बाप मिला है 25 साल से, लेकिन इसके पहले करोड़ों जन्म बीत गए, तब तुम्हारे पिता कौन थे करोड़ों जन्म के? अरे ये सब शरीर के पिता है, लेकिन आत्मा का पिता कौन है? आत्मा का बाप कौन है और उसकी क्या आज्ञा है, उसकी क्या
इंस्ट्रक्शन है, जानते हो उसके बारे में? शादी करोगे? अब ये 10,000 का जो लॉट था ना, नारद मुनि के चरणों में गिर गए, महाराज कुछ भी करेंगे शादी नहीं करेंगे। अब बताइए तो फिर हमको करना क्या है? हमको करना क्या है? नारद मुनि ने भगवा कपड़ा दे दिया, ये सब भगवा पहनो चलो, और सब लोग ब्रह्मचारी बनो, इस्कॉन टेम्पल ज्वाइंट कर लो, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, अमेरिका में ज़्यादा जाओ क्योंकि यहाँ ब्रह्मचारियों की कमी है। तो सब नारद जी ने सब डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ, ये तो सब बन गए, एक साथ 10,000 डिवोटी बने। अब दक्ष प्रजापति सोच रहा है कि ये लोग कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, तो आए नहीं। फिर किसी ने मैसेज दिया कि महाराज अब राह मत देखो, वो नहीं आएंगे, वो तो डिवोटी बन गए हैं, ब्रह्मचारी हो गए हैं। फिर भी दक्ष ने सोचा चलो ठीक है, वो ढीला नहीं पड़ा, बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। पांच जनी से दूसरे 1,000 पुत्रों को, अब तो कैपेसिटी कम हो जाती है ना, पहले 10,000 जन्म दिया, अब 1,000 पुत्र को जन्म दिया। अब उसका नाम रख दिया शवलाश्व 1, शवलाश्व 2, शवलाश्व 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 1,000 तक वो 1,000 कर दिया। अब जो भी हो, दक्ष प्रजापति जानते थे कि तपस्या तो करनी पड़ेगी, तो इन 10,000 को भी वन में भेजा, जाओ तप करके आओ, लड़की तैयार रखूंगा, शादी वादी करेंगे, सृष्टि बढ़ाएंगे आगे। ये 10,000 गए, ये भी तपस्या करके वापस लौट रहे थे, फिर से नारद मुनि आए। वहाँ तो 10 मिनट लगी थी, यहाँ तो 2 मिनट में मामला रफा दफा हो गया। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले घर जा रहे, शादी करेंगे। बोले बुद्धि है तुम लोगों में? बड़े भाइयों ने जो किया है, महाजनों ये न गतहस पंथा, जो महाजन है जो हमसे बड़े हैं उन्होंने जो किया है उनका अनुगमन करना ये बुद्धिमानी है। तो इन्होंने कहा हमारे बड़े भाइयों ने क्या किया? तुम्हारे बड़े भाइयों ने भगवा पहना है, तुम भी पहन लो और ब्रह्मचारी बन जाओ। नारद जी ने उन सबको ब्रह्मचारी। अब दक्ष प्रजापति को जो क्रोध हुआ है, दक्ष प्रजापति को बिल्कुल क्रोध हुआ, बाटला फट गया दक्ष प्रजापति का, और दक्ष प्रजापति ने नारद को खोजा, नारद कहां? दक्ष तो दक्ष थे वो तो, और नारद मुनि को बुलाया, अरे दुष्ट तू साधुओं का वेश पहनकर हमारे बच्चों को भिखारी बनाना चाहता है? ये देखो बड़े लोगों की ये रीत होती है, तू ये भगवा पहनकर आता है हमारे बच्चों को मिलता है, चलो दो अच्छे संस्कार तो बात अलग है, लेकिन हमारे बच्चों को तू भिखारी बना रहा है, ये भिक्षुक बनकर दर्द तेरी तरह भटकेंगे? तूने निर्दयी होकर बालकों की बुद्धि बिगाड़, मैं भागवत के श्लोक केवल बोल रहा हूं, श्रीमद भागवत जी में ये सारी कथा, तूने निर्दयी होकर मेरे बच्चों की बुद्धि बिगाड़ी है नारद। भगवान के वंश में ऐसा आदमी कभी नहीं होता, ईश्वर के वंश में ईश्वर का प्रचारक ऐसा नहीं होता, तूने भगवान के वंश में कलंक लगाया है। अब सारस्वत अर्थ तो इसके हुए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे अर्थ हैं, लेकिन दक्ष अपनी दृष्टि से बोल रहा है, निश्चित ही तुम्हारे अलावा जितने भी प्रीचर हैं या भगवान के पार्षद हैं वो जीवों पर दया करना जानते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर दया का भाव ही नहीं है तुम्हारे अंदर, अरे तुम तो मेरे वैरी हो गए, और तुम क्या मानते हो कि इस प्रकार 2-5 शब्द बोल देने से किसी को वैराग्य हो जाएगा? अरे तुम्हारा 10 मिनट या 10 घंटे का प्रवचन सुनकर वैराग्य होगा भी तो वो दृढ़ वैराग्य नहीं होगा, ये दक्ष का विचार है। 2-5 शब्द सुनकर जो वैराग्य होगा वो दृढ़ नहीं होगा। किसी भी पुरुष को विषयी भोग के द्वारा जब दुख न मिले, स्वयं उनके दुख का अनुभव न करे, तब तक उनका वैराग्य दृढ़ नहीं हो सकता। मैं भी चाहता हूं मेरे बच्चे वैरागी बने, लेकिन विषयी भोगों का अनुभव करके वैरागी बने। ये 2-5 बात सुनकर वैरागी हो जाएंगे और फिर से फिर भोगों में लगेंगे तब हमारा नाम बिगड़ेगा। नारद, दुखों का स्वयं अनुभव करने से जो वैराग्य होता है वो किसी अन्य की बातों को सुनकर नहीं होता। तुमने जो पहले असह्य, तुमने पहले मेरे 10,000 बच्चों को तो बना दिया, उस समय तो मैंने सहन कर लिया था, तुमने मेरे 10,000 को जब ब्रह्मचारी बनाया था,
लेकिन मैं जितना भी बच्चे पैदा कर रहा हूं उन सबको तू तू तुझसे मेरे से वैर कौन सा, किस जन्म की दुश्मनी ले रहा है, सारे बच्चे को उठा कर ले जा रहा है। अब मैं सहन नहीं करूंगा, तंतु कृणंत यत भद्र, ये निरंतर तुम घूमते हुए एक स्थान पर बैठकर प्रवचन करते हो तब जाकर ये लोग सुनते हैं और फिर वैराग्य लेते हैं ना। मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद नारद दो घड़ी से ज्यादा या दो मुहूर्त से ज्यादा तुम एक स्थान पर बैठ नहीं पाओगे, तुम्हारी गति स्थित नहीं रहेगी, तुम दो घड़ी से अधिक एक स्थान पर ठहर नहीं सकते। तुम ठहरोगे तो कोई तुम्हारी बात सुनेगा, लेकिन धन्य है एक श्लोक जो नारद जी ने कहा, श्री शुक उवाच, उस इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रति जग्राह तद बाढ़म, दक्ष बहुत बोल दिया, बहुत बोल गया, मर्यादा को पार कर गया दक्ष प्रजापति, लेकिन साधु तो साधु होता है ना। नारद जी चुपचाप दक्ष प्रजापति को सुने और तद बाढ़म, बाढ़म माने नारद जी ने कहा कि आप मुझे श्राप ही देना चाहते हो तो मैं स्वीकार करता हूं, मैं आपका श्राप शिरोधार्य करता हूं, साधु सम्मत। एक एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस श्लोक के अंत में देखो, ईश्वर स्वयं, नारद कौन है, स्वयं ईश्वर है, ईश्वर का अवतार है नारद, और ईश्वर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ऐसे हजारों दक्ष को उड़ाकर फेंक देगा। दक्ष ने जो श्राप दिया है क्या नारद जी श्राप नहीं दे सकते, नारद जी दक्ष को कुछ नहीं कह सकते। कहते हैं एतावान साधु वादो ही, साधुओं का यही तो स्वभाव है, साधुओं की यही तो महिमा है कि समर्थ गलती नहीं है और समर्थ होते हुए भी कोई एक्शन नहीं लेते, सामने वाले व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं। सो इस प्रकार श्री नारद मुनि ने चुपचाप सुन लिया और नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति के श्राप को वरदान ही समझा कि बोले थोड़ा बहुत आलस होता था कि भाई बैठे रहो पड़े रहो, लेकिन इसने जो श्राप दिया ना अब इतना प्रचार करूंगा इतना करूंगा, कभी यहाँ 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 घूम घूम के अब तो ज़्यादा डिओटी बनाऊंगा। पॉजिटिव, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव लेने की एक कला भी नारद जी से सीखने लायक है, उन्होंने इसे पूरा पॉजिटिव लिया। लेकिन क्या हुआ, अब जब नारद जी को तो श्राप दे दिया लेकिन फिर भी दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, फिर भी दक्ष के मन में हुआ कि ये शांति लेने वाला नहीं है, मैं और बच्चे पैदा करूंगा ये उनको भी बना देगा, ये हमारा नहीं हुआ। ये जब कोविड हुआ तो लोगों को लगा कि बस अब ये इस्कॉन प्रचार करने वाले शांति लेंगे, अब थोड़ा सा उपाड़ा कम होगा, पर कोविड में तो आपड़ उपड़ू तो वधारे चालू। तो कुछ लोगों को लग रहा था, कुछ लोग क्या मुझे ही लग रहा था कि अब कुछ रेस्ट करेंगे कुछ शांति लेंगे, लेकिन ये तो कोविड में और उपड़ा और आगे बढ़ा। आप देखो जहां देखो वहां प्रीचिंग प्रचार क्या क्या हो गया। तो दक्ष प्रजापति ने यही सोचा कि मैंने श्राप तो दे दिया, अब ये घूम घूम के से ज्यादा प्रचार कर देगा तो मेरा तो मेहनत ही फेल जा रहा है। दक्ष से सहन नहीं हुआ और वो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और सारी बात कहे। अब दक्ष प्रजापति कहते हैं, पिताजी पितामह, एक और आपकी आज्ञा है कि मैं विवाह करूं, प्रजा की उत्पत्ति करूं, और दूसरी ओर ये नारद मेरे सारे संतानों को डिओटी बना रहा है, तो आप भी कुछ नारद को समझाइए, कुछ उसको कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू उनको क्यों सुधार रहा है, तू स्वयं समझ जा। बोले मैं क्या समझूं, बोले सुन, ब्रह्मा जी ने कहा कि तू बच्चों को जन्म दे रहा है तब जाकर नारद उनको प्रीचिंग कर रहा है और उनको ब्रह्मचारी बना रहे। बोले हाँ, बोले बच्चा छोड़, तू बेटी को जन्म दे, तुझे तो सृष्टि करनी है ना, भगवान की आज्ञा है सृष्टि करो, तो बच्चों को अपने पुत्र को जन्म मत देना बंद करो, अब बेटियों को जन्म दो। नारद तो बेटियों को प्रीचिंग क्या, बेटियों के सामने देखेगा भी नहीं क्योंकि वो ब्रह्मचारी, वो कन्या के सामने आएगा ही नहीं, वो तो प्रीचिंग कर ही नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जब इस प्रकार से कहा, दक्ष की दिमाग की खिड़की खुल गई,
बोले बात तो बिल्कुल सही है कि यदि कन्याओं को जन्म दूंगा तो ये तो आएगा नहीं और मेरा काम हो जाएगा। अब श्रीमद् भागवत से ये कथा कनेक्ट होती है। श्रीमद् भागवत जी में श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ततः प्राचेत, इस प्रकार से दक्ष प्रजापति जब ब्रह्मा जी ने कहा ततः प्राचेत तस असी कन्याम अनुनीत स्वयं भुवा, अनुनीत स्वयं भुवा, जो मैंने अभी आपको कहा कि स्वयंभू ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को अनुनीत किया, माने उनको सजेशन दिया कि भाई पुत्र को जन्म न मत दो, पुत्री कन्या को जन्म दो। बात उनको समझ में आ गई। तो अनुनीत स्वयं भुआ ब्रह्मा जी के द्वारा अनुनय विनय करने पर ततः प्राचेतस दक्ष प्रजापति ने क्या किया, आसी कन्याम, उन्होंने पांच जनी तो फेल हो गई, बेचारी ने कितने बच्चों को जन्म दिया, अब दूसरा शादी किया असी कन्याम के साथ, मतलब असी किनी नाम की कन्या के साथ दक्ष प्रजापति ने विवाह किया। और दक्ष वो पांच जनी से 10,000 और फिर 1,000 ये गया। अब दक्ष प्रजापति का विवाह असी कन्याम के साथ हुआ। इतना डिटेल में शिव पुराण वाले भी नहीं सुनाएंगे आपने मान लो सुना होगा, तो इतना डिटेल में नहीं जाते कोई। तो दक्ष और असी कन्याम का विवाह हुआ। अब देखो नीचे श्लोक में देखिए, ये भागवत का श्लोक है, श्रीमद् भागवतम छठे स्कंद का, कि बोले ततः प्राचेत तस्य असी कन्याम, असी कन्याम के साथ विवाह हुआ ब्रह्मा जी के कहने पर अनुनित स्वयं भुव, और उससे क्या कितने लोगों का जन्म हुआ, बोले षष्ठीम, षष्ठीम माने 60, बोलो कितना, इंग्लिश वाले सीधा संस्कृत से चुरा लिए, 60 षष्ठी है तो संस्कृत में कहते हैं षष्ठीम माने 60 तो षष्ठीम संजनयामास, संजनयामास माने जन्म दिया, 60 को जन्म दिया, और ये 60 कौन थे, दुहित्रु, दुहित्रु तो समझते ना कन्या, दुहित्रु माने कन्या। तब दक्ष प्रजापति और असी किनी से 60 कन्या का जन्म हुआ, और ये 60 कन्या के प्रति पितृ वत्सला, दक्ष प्रजापति बहुत प्रेम करते थे। अब हिम्मत है नारद की के इसके पास आ सके, है कन्या घर पे रहती थी, धीरे धीरे बड़ी होने लगी, सब कुछ सेफ था, कोई आया नहीं कुछ नहीं, और जब कन्या 25-16 साल की हुई, विवाह की उम्र की हुई, तब तुरंत सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं, ये भागवत के श्लोक है। अब देखो दक्ष प्रजापति की 60 कन्या हुई, अब यहाँ कोई टच नहीं हुआ, नारद मुनि कुछ इसको डिवोटी नहीं बनाया, इसकी तो अभी शादी करनी है। तो कहते हैं दशो धर्माय, ये समझना जरूरी है, दक्ष प्रजापति ने उस 60 कन्या में से 10 कन्या का विवाह धर्म के साथ किया। काय इंद्रो द्विषट त्रिगणव, और फिर 13 कन्या का विवाह कश्यप जी के साथ किया, फिर 2 कन्या का विवाह भूत के साथ किया, अन्य 2 कन्या का विवाह अंगिरा जी के साथ किया। ये सब इस श्लोक में लिखा है, द्वे द्वे जहां आप देख रहे हैं ना, फिर 2 कन्या का विवाह कृशाश्व के साथ किया, और 2 कन्या का विवाह ताक्ष के साथ किया। कितना हुआ जरा कैलकुलेटर करो जरा इसको, जरा 10 कन्या का विवाह धर्म के साथ, दश धर्माय। फिर कहते हैं काय, काय माने कश्यप ऋषि, 13 कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ, फिर 2 कन्या का विवाह भूत के साथ, 2 अंगिरा के साथ, 2 कुशाश्व के साथ, और फिर 4 कन्या का विवाह तार्क्ष्य के साथ। टोटल कितना हुआ, तो 10 धर्म, 13 कश्यप, 2 भूत, 2 अंगिरा, 2 कुशाश्व और 4 ताक्ष के साथ, अब 27 कन्या बची है ना। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 त्रिषट, आप देख सकते हो 27 कन्या का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। तो 60 कन्या दक्ष प्रजापति की, धर्म अंगिरा कृशाश्व ताक्ष कश्यप इन सब से विवाह किया, लेकिन उनमें 27 कन्या का विवाह किसके साथ किया, चंद्रमा के साथ। अब इन सभी कन्याओं का इतिहास भागवत में है, हमको उसमें नहीं जाना है, लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ किया, उसमें जाएंगे क्योंकि सोमनाथ महादेव वहां से आएंगे, ठीक है।
अब प्रश्न हो सकता है कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्या का विवाह जो चंद्रमा के साथ किया वो साधारण नहीं थी, बहुत महिमावंत थी। उसके विषय में कहते हैं कि कृतिका आदिनी नक्षत्राणी, ये सुखदेव जी के वचन श्रीमद् भागवत जी में। सुखदेव जी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की जो 27 कन्या थी कृतिका, उसमें दूसरी कन्या का नाम कृतिका है, तो ये कृतिका आदि ये 27 कन्या साधारण नहीं थी, ये नक्षत्र हुई। ये जो नक्षत्र चलते हैं ना, ये पंडित जी नक्षत्र में हम जो काम करते हैं, ये 27 नक्षत्र होते हैं, ये 27 कन्या 27 नक्षत्र के रूप में जो थी उनका विवाह चंद्रमा के साथ कराया। तो दक्ष प्रजापति की ये 27 कन्या 27 कन्या भी है और 27 नक्षत्र है। ये 27 कन्या कौन सी, मैं बड़े से छोटी कहूंगा। सबसे बड़ी है अश्विनी, दूसरी कन्या कृतिका। ये आगे चलकर आज हम देखते हैं ज्योतिष शास्त्र इसे नक्षत्र कहते हैं, अश्विनी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र। ये एज इट इज दक्ष की 27 कन्या है जिसका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। तो नाम सुन लीजिए, आपको तो याद रह ही जाएगा। पहली कन्या है अश्विनी, दूसरी कन्या है कृतिका, तीसरी कन्या है भरिणी, चौथी कन्या रोहिणी, पांचवी मृगशिरा, छठी कन्या आद्रा, सातवीं कन्या पुनर्वसु। ये सब नक्षत्र हो गया। अब आज इसके पीछे नक्षत्र लग गया, पुनर्वसु नक्षत्र। आठवीं कन्या है पुष्य, नौवीं कन्या है आश्लेषा, कहते ना आश्लेषा नक्षत्र, दसवीं कन्या मगा, ग्यारहवीं कन्या पूर्व फाल्गुनी, बारहवीं कन्या उत्तरा फाल्गुनी, तेरहवीं कन्या हस्त, चौदहवीं चित्रा, पंद्रहवीं स्वाति, स्वाति नक्षत्र कहते ना, स्वाति नक्षत्र का बूंद। ये बस ये वही कन्या दक्ष की 27 बेटियां है ये। तो ये 15वीं कन्या है स्वाति, 16वीं विशाखा, 17वीं अनुराधा, अनुराधा नक्षत्र, ये भी ये कुछ फेमस नक्षत्र है। 18वीं कन्या हुई ज्येष्ठा, 19वीं मूल, 20वीं पूर्वषाढ़ा, 21वीं उत्तराषाढ़ा, 22वीं श्रवण, 23वीं घनिष्ठा, 24वीं शतभिषा, 25वीं पूर्व भाद्रपद, 26वीं कन्या हुई उत्तरा भाद्रपद और 27वीं कन्या हुई रेवती। तो अश्विनी से लेकर 27 रेवती तक इन सब का विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के साथ कर दिया। और ऐसा वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब इन 27 कन्या से विवाह करके चंद्रमा अपने घर पर लेकर आए तो उनकी शोभा बढ़ गई, नक्षत्रों की भी शोभा बढ़ी, पत्नियों की शोभा बढ़ी और पत्नियों के साथ साथ पति की भी शोभा बढ़ गई, क्योंकि 27 नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा चमक रहा है। तो बहुत सुंदर मंगल कार्य हुआ, बहुत मंगल विवाह हुआ। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक प्रॉब्लम हो गई है? कहते हैं कृतिका दीनी नक्षत्रा अनिंदो पत्नी स्तु भारत। हे भारत, हे परीक्षित, शादी तो हुई, काम तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो गई कि दक्ष शापात, कि दक्ष प्रजापति को अपने दामाद को शाप देना पड़ा। ये पिछले जन्म में शिवजी दामाद थे, उनको शाप दिया, इस जन्म में चंद्रमा दामाद हुए तो उनको श्राप दिया। मतलब इनके जीवन में श्राप तो निश्चित लिखा है। बेचारे दक्ष की कोई गलती नहीं थी इस केस में। अब क्या हुआ, ये 27 कन्या का विवाह तो हो गया, लेकिन चंद्रमा जो थे इसमें चौथी जो कन्या थी जिसका नाम था रोहिणी, चंद्रमा उस 27 में से रोहिणी से ज्यादा प्यार करते थे और अन्य पत्नियों के प्रति ध्यान नहीं देते थे। बस वो रात दिन रोहिणी के साथ उठना बैठना खाना पीना, रोहिणी से प्रेम करना, और अन्य 26 जो वो सब बहनी है, अन्य 26 जो उनकी पत्नी है उनकी ओर कोई ध्यान नहीं। इसलिए अब विवाहित जीवन में क्या होता है कि जब कोई पति अपनी पत्नी की ओर ध्यान नहीं देता या पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता तो पत्नी बहुत दुखी रहती हैं, चिंता में रहती हैं, उनका रूप और स्वरूप भी ठीक नहीं रहता। मुझे एक बार किसी ने पूछा था कि ऐसा क्यों, चंद्रमा की 27 पत्नी लेकिन वो रोहिणी से ही ज़्यादा प्रेम करते थे। तो मैंने लॉजिकली तो कुछ नहीं कहा,
लेकिन मैंने स्वाभाविक रूप से उनको जवाब दिया कि भाई चंद्रमा कृष्ण के भगत है, कृष्ण चंद्र कहा जाता है, और कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ, तो चंद्रमा ने सोचा होगा कि रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण प्रकट होते हैं, इसलिए रोहिणी से ही प्रेम करने लगे, रोहिणी पत्नी से प्रेम करने लगे। जस्ट ये मैंने अपना भाव कहा, ये कोई फिलोसॉफिकल आंसर नहीं था, लेकिन चंद्रमा का रोहिणी के प्रति बड़ा भाव था, बड़ा झुकाव था। अब अन्य पत्नियाँ चिंता करने लगी, और इतनी चिंता कि अन्य पत्नियाँ चिंता से सूखने लगी। अब कई बार होता है ना कि मायके जाना होता है, तो ये 27 बहनें एक बार मायके गई। जब मायके गई तो दक्ष प्रजापति ने देखा कि अरे शादी के समय तो ये मेरी बेटियां बहुत अच्छी थी, स्वस्थ थी, प्रसन्न थी, लेकिन विवाह के बाद, शादी के बाद ये तो सूख गई, इनका रूप सूख गया, तो चिंता में लगती है। दक्ष ने पूछा, देखो ये बेटियों ने नहीं कहा, आजकल तो क्या होता है, शादी होती है, दो तीन दिन ठीक नहीं गया तो तुरंत घर में फोन करते हैं, पापा मुझसे यहाँ रहा नहीं जाएगा, अन पापा इतना हरक फदुड़ा होए, कोई वांधो नहीं बेटा, तू पाछी आवी जा। दक्ष ने ऐसा नहीं किया, ये सीखने लायक घटना है अपनी। इसलिए तो पहले कहा गया ना कि बेटी हो या बेटा, उसे तपस्या, त्याग, सहन करना, ये सब सिखाने की आवश्यकता है। दक्ष प्रजा अब पत्नी, ये बेटियों ने तो बेचारियों ने किसी ने कुछ नहीं कहा, जो अपने ससुराल की बात थी, जो पति सौभाग्य नहीं देते थे तो जेल लिया, लेकिन बाप ने देखा, बाप तो होता है ना बेटी के प्रति, कहा कि बेटा आप लोग इतनी सुख रही हो, तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं हो रही, तुम ठीक से खा पी नहीं रहे हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है। आजकल के बापों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटी 50 किलो की गई है, 2-5 साल के बाद 100-150 की होकर आएगी, तो सीधा ही पता चलेगा हमारी बेटी कितनी खुश है, राज कर रही है। चिंता करनी है तो ससुराल वालों की करो, खबर लेनी है तो दामाद की, लोग भाई तुझे कैसा हो रहा है, हम तुम्हारे बधु ठीक है। लेकिन यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने कहा कि बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। जब पिताजी ने बहुत कहा, ये तो तैयार नहीं थी कहने के लिए अपने ससुराल की बात, लेकिन पिताजी ने जब बहुत पूछा तब ये 26 कन्याओं ने कहा कि बाबा हम सबकी शादी आपने चंद्रमा के साथ कराई, लेकिन वो तो केवल रोहिणी के साथ ही रहते हैं, वो हमारे ओर कभी देखते नहीं, हमारी ओर कभी ध्यान नहीं देते, वो हमसे प्रेम भी नहीं करते बाबा, और इसीलिए हम रात दिन चिंता में रहती हैं। और दक्ष का मगज फट गया, हा? मेरी बेटी को परेशान, दक्ष तो दक्ष था ही, नारद को श्राप ताजा ताजा दिया था, अब यहाँ पर दक्ष का क्रोध आया और दामाद को घर पर नहीं बुलाया, ये खुद दामाद के घर पर पहुंचा, हा? दक्ष इतना बड़ा आदमी होकर भी वो दामाद के घर पर गए चंद्रमा के पास। चंद्रमा मैंने पहले तो श्याम नीति से कहा कि मैंने तुझे एक बेटी नहीं दी, मैंने 27 बेटी तुझको दी है, तेरा विवाह एक के साथ नहीं 27 के साथ हुआ है, तुझे 27ों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, और समान लेवल के जो लोग होते हैं उससे विषम व्यवहार करो तो चंद्रमा उसे कीर्ति नष्ट होती है, अपख्याति होती है, उसे नरक भोगतना पड़ता है। बहुत अच्छे से दक्ष प्रजापति ने पहले तो समझाया कि सबको समान रखना चाहिए, समान प्रेम देना चाहिए, और तुम सज्जन हो, सुशील हो, मेरी बात तुम मानोगे, आज के बाद किसी अन्य मेरी बेटी को परेशान मत करना, इतना कह के दक्ष प्रजापति चले गए। लेकिन यहां चंद्रमा दक्ष प्रजापति के वचनों की कोई असर नहीं हुई। जैसे हम लोग बहुत भागवत सुनते हैं, बहुत भागवत सुनते हैं लेकिन हम पर कोई असर नहीं होती है, वैसे दक्ष के वचनों की कोई असर चंद्रमा के ऊपर नहीं, वो तो बस रोहिणी के साथ उठना बैठना। और एक बात क्या हुई, कुछ लोग अकड़ू होते हैं, दक्ष ने मना किया था लेकिन दक्ष के कहने के बाद तो उनका रोहिणी के प्रति अनुराग और बढ़ गया, और झुकाव बढ़ गया, और प्रेम बढ़ गया। और फिर एक दिन दक्ष प्रजापति को पता चला कि मेरे समझाने पर भी ये नहीं समझ रहा है। अब तो दक्ष प्रजापति क्रुद्ध हो गए और क्रोधित होकर चंद्रमा के पास आए, तुझे मैंने पहले प्रेम से समझाया, तुझे मैंने वार्निंग दी, मैं किसी को वार्निंग नहीं देता, सीधा एक्शन लेता हूं, तुझे वार्निंग दिया दामाद समझकर,
और फिर भी तू मेरी बेटियों को परेशान करता है। क्रोध में आए और आक्रोश में आकर दक्ष प्रजापति ने कह दिया कि तूने बड़ा गर्हित कर्म किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे क्षय रोग हो जाए और क्षय रोग से तेरा शरीर धीरे 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 क्षीण होकर नष्ट हो जाए। भयंकर श्राप दक्ष प्रजापति ने दे दिया और श्राप देकर दक्ष प्रजापति तो वहां से चले गए। लेकिन भक्तों लोकपाल कांप गए, सारे देवता ऋषि मुनि गंधर किन्नर चारण विद्याधर अक्ष जब पता चला कि दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया, नो डाउट चंद्रमा की गलती थी, लेकिन चंद्रमा को मृत्यु दंड दे देना कि धीरे धीरे क्षय होगा और तुम नष्ट खत्म हो जाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी जानते हैं, चंद्रमा में सबसे बड़ा गुण क्या है, इस संसार में जितने भी अन्न है, अन्न में जितने भी विटामिन्स होते हैं, जो औषधि होती है, ये सब चंद्रमा से प्राप्त होती है। ये सारी औषधि में, सारे अन्न में, भोजन में जो भी एनर्जी है, विटामिन है, जो भी पोषण तत्व है, वो सब चंद्रमा से मिलते हैं। इसलिए चंद्रमा को औषधि का राजा कहा गया है, सारी वनस्पतियों का राजा चंद्रमा है। यदि चंद्रमा न हो तो वनस्पति में सब विटामिन आदि नहीं होंगे। और ये सब देवता ऋषि मुनि लोकपाल चर अचर सभी जीवों ने सोचा चंद्रमा नहीं रहेंगे तो अन्न में औषधि नहीं रहेगी, और अन्न में औषधि नहीं रहेगी तो हमारा शरीर भी क्षीण हो जाएगा। मतलब चंद्रमा का क्षीण होना मतलब हमारा क्षीण होना, आज नहीं तो कल हम नष्ट हो जाएंगे। चंद्रमा की ओर से ये सारे देवता ऋषि मुनि लोकपाल ये सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो क्या कर सकता हूं, ये भावी बहुत बलवान होता है और जो श्राप निकल चुका है वो तो होकर ही रहना है। जो 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 अब जो बोल दिया गया है, जो अप्लाई हो गया है, वो तो होना ही है। नहीं नहीं कुछ तो करना होगा महाराज, आप कुछ तो उपाय निकालिए। बोले एक उपाय मेरे पास है। मुझे लगता है ब्रह्मा जी रामायण पढ़ते होंगे। ब्रह्मा जी ने रामायण का एक श्लोक टांक दिया, बोले एक उपाय है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटी सकही त्रिपुरारी, भावी मेटी सकही त्रिपुरारी। क्योंकि शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, एही विवाह सब विधि कलिया। बोले भावी में जो लिखा, जो भावी था वो तो हो गया, लेकिन भावी को भी बदलने की ताकत त्रिपुरारी में है। भावी मेटी सकही त्रिपुरारी, शिवजी भावी को मिटा सकते हैं, भाग्य को बदल सकते हैं। क्योंकि शंभु सहज समरथ भगवाना, रामायण की बात है। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन आपकी ये प्रॉब्लम जो है ना, देवाधिदेव महादेव ही दूर कर सकते हैं। बोले कैसे? बोले चंद्रमा को साथ में लो, और अकेले नहीं तुम लोग भी साथ में रहो, और आप सब लोग तुरंत प्रभास क्षेत्र पहुंचो, सौराष्ट्र गुजरात, और प्रभास तीर्थ में जाकर समंदर के किनारे पर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करो। बाद में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा जाप करो और चंद्रमा को कहो तपस्या करे। बोले ये करने से हो जाएगा? हो जाएगा। सारे देवता दुम दबा कर भागे, चंद्रमा को साथ में लिए, सीधे गुजरात सौराष्ट्र की टिकट काटे, सौराष्ट्र में पहुंचे और प्रभास में जाकर समंदर के तट पर बैठे, पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की
और अन्य देवता तो अपनी अपनी ओर, लेकिन चंद्रमा, क्योंकि ये तो क्षय रोग लगा था, क्षय रोग जानते ना, जैसे कैंसर होता है, मान लो शरीर में कैंसर हुआ तो जैसे मोमबत्ती पिघलती है, एक कैंडल पिघलती है, वैसे धीरे धीरे आदमी पिघल कर फिर खत्म हो जाता है, ऐसा ही रोग चंद्रमा को मिला था। इसलिए चंद्रमा डर गया, कैंसर वाला आदमी वैसे भी डर जाता है, ये तो डर गया था। और ये तो पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और न खाना न पीना और तपस्या प्रारंभ किया, और तपस्या करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। और भक्तों, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते 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 कितना जाप कर डाला, 10 करोड़। दस नाम जाप भी मुश्किल होता है, 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर दिया, भयंकर तपस्या कर दी। और इस तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। वरम वृणीष्व भद्रम में, तुम्हारा भद्र हो बेटा, वरम वृणीष्व, मेरे से वरदान मांगो। चंद्रमा कहते हैं, यदि प्रसन्न देवेश किम साध्यम भवेत मम, देव का देव, देवाधिदेव महादेव यदि प्रसन्न हो जाए तो मेरे लिए क्या असाध्य, मेरे लिए क्या बाकी रह जाता है। आपको जो मिल जाए, आप जिसको मिल जाए उसको क्या बाकी रहता है। लेकिन हे शिवजी, हे महादेव, मेरे से एक गलती हो गई है। मुझे ये बात जब मैं पढ़ रहा था बहुत अच्छा लगा, मेरे से एक अपराध हो गया है। देखो, चंद्रमा ने स्वीकार किया कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से अपराध हो गया है। हम किस माटी के बने हैं, एक नहीं दो नहीं बार बार गलती करते हैं, लेकिन स्वीकारने का नाम ही नहीं लेते। और इसीलिए ये देवता जो है ना, बड़े बड़े देवता बड़ी बड़ी गलती करते हैं, लेकिन गलती करने के बाद भी देवता महान है। क्यों? क्योंकि वो अपनी गलती का स्वीकार करते हैं, और हम लोग गलती स्वीकार नहीं करते। तुम सब गलत हो सकते हो, मैं गलत नहीं हो सकता, ये हमारी भावना, ये हमारा एटीट्यूड होता है। लेकिन बहुत अच्छी बात कही कि महादेव, मेरे से गलती हो गई है, दक्ष प्रजापति का अपराध और मेरी पत्नियों के प्रति मेरा अपराध हो गया है। तथात्मि मैं शरीरस्य शयम वारीय शंकर, मेरे शरीर में क्षय रोग लगा है, तो क्षयम वारीय शंकर, हे शंकर, इसका इसको खत्म कर दो, ये क्षय रोग मेरा मिटा दो। शिवजी ने कहा, तू बात क्या करे, तुझे दक्ष ने श्राप दिया है, जिसने मेरा पंगा जिसके साथ हुआ था, उस दक्ष ने तुझे श्राप दिया है, मतलब दक्ष का जो श्राप है उसे मैं टोटल फेल करूंगा तो भगवान का नियम बदल जाएगा, ये भगवान की जो प्रकृति की मर्यादा है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन हाँ, क्योंकि चंद्रमा तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं एक काम कर सकता हूं। भोलेनाथ, जो करना है आप मुझे जितनी राहत दे सकते हो उतनी दे दो। बोले, राहत दे सकता हूं। बोले, क्या? बोले, तुझे श्राप मिला है क्षय रोग का ना, कि तेरा क्षय होगा, धीरे 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 तू खत्म हो जाएगा। तो शिव जी कहते हैं, पक्षे च सीयताम चंद्र कला त्वच्च दिने दिने अपुनश्च वर्धताम पक्षे सा कला च निरंतरम। जो क्षय रोग का तुझे बताया कि तू धीरे धीरे खत्म होगा, तो मर्यादा रखने के लिए ये पॉइंट तो मैं रखूंगा कि तुम्हारा क्षय होगा, लेकिन हर कृष्ण पक्ष में चंद्रमा तुम्हारी एक कला क्षय होगी, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक कला क्षय होगी, और फिर शुक्ल पक्ष में तुम्हारी एक एक कला बढ़ेगी। ये मैं तुझे वरदान देता हूं, तथास्तु। टोटल तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु से तो, क्योंकि महामृत्युंजय तूने जाप किया, लेकिन दक्ष का भी वचन रखना है, ईश्वर की मर्यादा रखनी है। पहले चंद्रमा फिक्स होते थे गोल, लेकिन जब से ये शिवजी ने सेटिंग कर दिया है, शिवजी की सेटिंग से क्या हुआ, हर कृष्ण पक्ष में चंद्रमा एक एक कला घटते हैं और हर शुक्ल पक्ष में चंद्रमा एक एक कला बढ़ते हैं। इस प्रकार चंद्रमा प्रसन्न हुए, शिवजी को प्रणाम किए, शिवजी ने कहा और कुछ? शिवजी तो क्योंकि पूरे प्रसन्न थे, बोले और कोई बाकी, कुछ बाकी है और कुछ मांगना है तो मांग ले। आजू बाजू में जो देवता खड़े थे ना, सब ने इशारा किया, बोले हमारा कुछ करो, कुछ तुमने तो अपना बना लिया, हम भी कम परेशान नहीं हुए हैं। तब चंद्रमा ने बहुत सुंदर कहा कि महादेव,
मेरे जैसे अनेकों लोग इस सृष्टि में हैं और भविष्य में मेरे जैसे अनेकों लोग सृष्टि में होंगे, और जिस प्रकार आपने मेरा दुख दूर किया है उस प्रकार आपको अनेकों लोगों का दुख दूर करना चाहिए। तो महादेव आप यहाँ पर आए हो, अब इस स्थान को छोड़कर वापस मत जाओ। अब महादेव भी बंद गए, बोले तुझे जो मांगना है मांग, और इसने क्या मांगा, बोले आप यहाँ जो खड़े हो ना यहाँ से अब आपको रिटर्न नहीं। बोले तो मेरी पत्नी, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। बोले कोई बात नहीं, ऐसा लिखा है पुराण में कि आपकी पत्नी पार्वती जी को भी बुला लो और आप दोनों यहीं पर रहो, ये हमारी इच्छा है। तब देवाधिदेव महादेव ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है मैं यहाँ रहूँ, तो मेरा आत्मज, मैं स्वयं प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर रहूँगा। और हे चंद्रमा, क्योंकि तुमने मेरी उपासना की है, चंद्रमा का दूसरा नाम है सोम, चंद्रमा को सोम कहते हैं, क्योंकि तुमने मेरी उपासना की है इसलिए चंद्रमा के नाथ, सोम के नाथ के रूप में मैं यहां पर प्रसिद्ध रहूंगा। चंद्रमा भी बड़े प्रसन्न हुए कि आखिर शिव जी मेरे नाथ हैं, मुझे क्षय रोग से मुक्त किए। सो चंद्रमा भी बड़े प्रसन्न हुए और सोमनाथ, अब शिव जी वहां पर खड़े थे, शिव जी देखते ही देखते शिवलिंग के रूप में जो मेरे पीछे ना कन्वर्ट हो गए, अभिन्न नहीं है, ऐसा नहीं कि अलग से शिवलिंग बनाया हुआ, शिव ही सोमनाथ महादेव के रूप में प्रकट कन्वर्ट हो गए। सो इस प्रकार से ये प्रथम ज्योतिर्लिंग यहाँ पर प्रकट हुआ। यदि कोई इसका दर्शन श्रवण आदि करता है, सारे पापों से मुक्ति, रोगों से मुक्ति और भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है। भक्तों, आज भी समंदर के किनारे सौराष्ट्र में सोमनाथ का मंदिर दिव्य दर्शन खड़ा है। ये मंदिर पूरा सोने से बना है, शिव जी का मंदिर इतना ये नहीं होता, लेकिन सोमनाथ महादेव का जो मंदिर है पूरा गर्भगृह सोने से बना हुआ है। हमारे भारतवर्ष में इस मंदिर में पहले के जमाने में जो पिलर 56 पिलर थे, वो सारे पिलर नीलम के बने हुए थे और दीवारों पर सोना था और उस पर रियल डायमंड लगे हुए थे। बड़ा दुख होता है भक्तों, हमारे देश में सबसे अधिक आक्रमण यदि किसी मंदिर पर हुआ है तो यह सोमनाथ महादेव पर हुआ है। हमारा देश तो हमारा देश है, साले जितने भी आए लूट कर गए हैं। हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का बड़ा यवन और मुसलमानों ने प्रयास किया 17 बार। मैं आपको क्या कहूं, इस मंदिर को यवनों ने 17 बार तोड़ा, लेकिन भारतवर्ष की श्रद्धा देखो आप, हमारे देश की आस्था देखो, 17 बार टूटा, 17 बार बना। सभी यवन और मुस्लिमों के निशाने पर यह मंदिर था। जब भी भारत में कोई आता पहले इस मंदिर को लूटते, क्योंकि इस मंदिर में समृद्धि थी। सोमनाथ महादेव बिल्कुल सोने और गहने से सजे हुए होते थे। अब क्या करूं, इतिहास याद आ ही जाता है। ईस्वी सन 1024 में सबसे पहला वार इस मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने किया। मोहम्मद गजनवी समुद्र से आकर मंदिर के ऊपर चढ़ाई की, समुद्र के मार्ग आया, समुद्र को लूटा और जितना भी माल था मंदिर से निकाला, और लूटा तो लूटा, मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। उस मोहम्मद गजनवी से मंदिर नहीं टूटा तो मंदिर में आग लगा दी, जला दिया मंदिर को। और ऐसा वर्णन है कि मोहम्मद गजनवी जब अपने अनुचरों के साथ मंदिर का माल लूटकर जा रहा था, इतना माल था उनके पास कि उनको उठाने की ताकत नहीं थी, उनके बोट में, उनके जहाज में रखने का स्थान नहीं था। जाते जाते वो मंदिर का जो माल था, वो सोना गहना, समुद्र में फेंक दिया, ना हमको ना इन लोगों को, लूट लिया पूरे मंदिर को। 1024 सन ईसा 1024 की, 1000 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। और फिर भारत तो धर्म प्राण प्रजा है, फिर राजा भीमदेव आए और राजा भीमदेव ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया और सिद्धराज जयसिंह जी ने इस मंदिर में पुनः प्रतिष्ठा की, लेकिन यवनों के आतंक से मंदिर नहीं बचा। फिर 1297
ईस्वी सन 1297 में अलाउद्दीन खिलजी आए, आजकल के जवान लड़के जिसकी स्टाइल में वो दाढ़ी बढ़ाते हैं ना, ये वो अलाउद्दीन खिलजी आया, जिसको आजकल के बच्चे अपना आइडल मानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1297 में इस मंदिर पर चढ़ाई किया, इस मंदिर को तोड़ा और सारा माल धन संपत्ति लूट कर चला गया। फिर से भारत की धर्म प्राण प्रजा, भारत के हिंदू राजाओं ने इस मंदिर को बनाया। फिर नसरत खान आया, नसरत खान ने इस मंदिर को लूटा, मंदिर को तोड़ा, सारा धन लेकर चला गया। फिर से राजाओं ने इस मंदिर को बनाया। 1394 में मुजफ्फर शाह ने लूटा इस मंदिर को। 17 बार 1413 में अहमद शाह ने इस मंदिर को तोड़ा। आप इतिहास में जाइए, हिंदू संस्कृति के ऊपर कितने प्रहार हुए हैं, हिंदू संस्कृति को तोड़ने का कितना प्रयास किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम हिंदू लोग ही अपने में बनती नहीं है, संस्था संस्था वालों की अपने में बनती नहीं है, गुरु भाई गुरु भाइयों की नहीं बनती। अरे हमारी दौड़ बहुत दूर की है, हमारी जंग बहुत दूर जाना, हम अपने में ही उलझे पड़े हैं यार। मैं तो कभी आश्चर्य में रहता हूं कि एक संस्था का एक गुरु के शिष्य प्रवचन व्यास मंच पर बैठकर एक दूसरे को काटते हैं। तुमको काटने के लिए यही मिला, दुनिया नहीं पड़ी है। ऐसे लोग जो भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न करते हैं, यार एनर्जी वहां लगाओ, अपने भाईजन अपने भक्तों में अपने लोगों में। अरे दोष कहां नहीं है, चंद्रमा में दोष है, इंद्र में दोष है, किसी भगत में दोष होगा, लेकिन वो कुछ अच्छा कर रहा है, उसे गिराने में अपने में ही पड़े रहोगे। दुनिया लूट रही है, संस्कृति जा रही है, वहां ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन छोटी बुद्धि छोटा कलेजा छोटा सा हृदय, 17 बार आक्रमण हुआ इस क्योंकि हम रह नहीं सकते भक्तों जब इस प्रकार ये सब बातें आती हैं। और 17 बार इस मंदिर को लूटा गया। लेकिन मैं प्रणाम करूंगा श्री लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर तो ब्रिटिशर्स आए और भारत आंदोलन में लग गया पूरा देश। और जब ब्रिटिशर्स गए, संविधान बना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पहला एजेंडा यह था कि सोमनाथ मंदिर बनेगा। नेहरू जी और गांधी जी ने इनकार किया, अरे भाई बहुत सारे एजेंडे हैं, बोले नहीं, भारत की भूमि पर कलंक लगा हुआ है, 17 बार किसी मंदिर को तोड़ना, शिव जी के प्रथम ज्योतिर्लिंग को छिन्न भिन्न करना, यह भारत का कलंक है, और जब देश आजाद हुआ है तो पहले इस कलंक को मिटाना चाहिए, फिर सारे काम करने चाहिए। फिर भी बहुत गांधी जी ने और नेहरू जी ने मना किया था, कहां से धन लाओगे, पैसे लाओगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, मुझे आपके राज खजाने से एक रुपया नहीं चाहिए, केवल परमिशन तो दे दो। गृह मंत्री थे और बोले पैसा नहीं, पैसे की बात नहीं, बोले कोई बात नहीं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुओं का आवाहन किया, उस समय युद्ध हुआ था, गरीबी थी, लेकिन भारत की धर्म प्राण प्रजा सब लोग आगे आए और पुनः जिस प्रकार से सोमनाथ महादेव लहरा रहे थे, जिस प्रकार से उनका ऐश्वर्य था, बिल्कुल गोल्ड का सोने का गर्भगृह, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं खड़े रहकर इस मंदिर को बनवाए हैं। यहां पर जो आप देख रहे हैं, स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं खड़े रहकर हिंदुओं का आवाहन करके इस मंदिर को बनवाए। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े काम किया, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिला, अच्छे लोगों को सम्मान नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि जब वो आए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू बनाया और उन्होंने जितना हो सकता था उतना उनकी स्मृति में ये सब कार्य किया। वास्तव में मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि अच्छे अच्छे लोग राजनीति के षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान गए थे समझौता करने के लिए, उनकी लाश वापस आई और पाकिस्तान वालों ने कहा कि इनको हार्ट अटैक आ गया, यदि हार्ट अटैक आया होता तो शरीर नीला क्यों हो गया होता, हार्ट अटैक में शरीर नीला नहीं होता, पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं जहाज गिर गया, जहाज से जितने भी गिरे सबकी लाश मिली, बोस की लाश क्यों नहीं मिली, क्या वो उड़ गई,
जितने भी अच्छे लोग इतिहास में हुए कभी सम्मान के पात्र नहीं हुए। इससे तो एक चीज समझ में आती है, अच्छा काम करोगे सम्मान किसी को नहीं मिलेगा। अच्छे लोगों के पीछे पूरी दुनिया पड़ जाती है। अब सोमनाथ महादेव की बात आई और मंदिर निर्माण की बात जब थी, ये मंदिर जिसने खड़ा किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करना ही। मुझे एक पॉइंट, अभी खैर मैं राजनीति का आदमी नहीं हूँ लेकिन देश की मिट्टी में जन्म हुआ है। जब 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 देश आज़ाद हुआ ना, तो जिन्ना की ये हर्ट थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि भाई वो जीने वाला कितना है, उसको रोग था। अब यहाँ से बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा रोग था, 2-3 महीने में मरने वाला था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई बनने तो ना, 3 महीने में क्या जाने वाला है। लेकिन गांधी जी और नेहरू जी की हर्ट, और उस हर्ट के कारण भारत भूमि के ऊपर इतना बड़ा आघात, भारत और पाकिस्तान बढ़ गया और बहुत बड़ा आघात इस भारत की धरती को झेलना पड़ा। से इस प्रकार इस मंदिर के इतिहास से भारत की श्रद्धा जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है। मैंने श्री सोमनाथ महादेव के पौराणिक श्लोकों के साथ भी आपको कथा सुनाई और कुछ इतिहास को लेकर किस प्रकार से यह मंदिर बना, और कुछ उनसे शिक्षा लेकर कि भाई जंग बहुत बड़ी है, अपनों में ही मत उलझे रहो, आगे बढ़ो, हमें आगे बढ़ना है और आगे जाकर बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना है। हमारे साधु संत बहुत कुछ करके गए हैं लेकिन बहुत छोड़ कर गए हैं और वो हमें कंप्लीट करना है। फलाने ने ऐसा किया, फलाने भक्त ने ऐसा किया, अरे वो भक्ति कर रहा है, दोष किसमें नहीं होता। और अंत में मैं आपको एक विचार दूंगा कि इस पूरी कथा में मैन ऑफ द मैच क्या हुआ जानते हैं? वो चंद्रमा को तो श्राप लगा था, चंद्रमा आज हता न हता, आज तो वो दिखता ही नहीं, लेकिन उसने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और मरने से बच गया। तो अब यहां पर प्रश्न ये है, तो फिर महामृत्युंजय मंत्र श्रेष्ठ है कि महामंत्र श्रेष्ठ है? अब हम क्या समझे, महामृत्युंजय में आगे बढ़े कि महामंत्र में आगे बढ़े? तो महामृत्युंजय और महामंत्र में क्या तारतम्य है ये हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जय जयकार के साथ प्रथम दिन के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री कृष्ण चंद्र भगवान के जगत गुरु श्री प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।